चलिए, ये है 2018-2। अब देखो, इसमें मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। इस पेपर का एनालिसिस का तरीका मैं ये रखूंगा कि आप पहले 60 प्लस कैसे राइट अटेम्प्ट करें, फिर 70 या 80 पर जाएंगे। तो कुछ टॉपिक लाइक ट्रिग्नोमेट्री हुआ, 10-12 क्वेश्चन होते हैं, बन जाएंगे। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट हुआ, स्टेटिस्टिक्स हुआ, है ना, डिफरेंशिएशन हुआ, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। और इसको स्कैनिंग करने के साथ साथ मैं एक काम और करूंगा कि बीच में कोई सिंपल क्वेश्चन मिल गया तो उसको भी बता दूंगा आपको। तो आप ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट बिल्कुल समझना और ध्यान देना, फिर आप समझ जाओगे कि आप लोग भी बहुत इजीली कर सकते थे। अब जैसे इस पेपर को मैं देखूं, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में लॉक की प्रॉपर्टी है, नहीं लगता बाद में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन सिंपल है पर बाद में भी कर सकते हैं। पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते ही समझ में आ रहा है, इफ एन इनफाइनाइट जीपी। देखिए, आप क्वेश्चन 2 देखिए जरा ध्यान से। इन एन इनफाइनाइट जीपी हैज द फर्स्ट टर्म एक्स, इनफाइनाइट जीपी का फर्स्ट टर्म है एक्स एंड द सम इज 5। सम कितना है? 5 है। आपको बोला है देन विच वन इज द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहां पर ये हो गया 1 माइनस आर। यस और नो? इफ एन इनफाइनाइट जीपी हैज फर्स्ट टर्म इज एक्स एंड द सम इज 5, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो एक्स का क्या वैल्यू हो सकता है, ये पूछा गया है। अब एक चीज बताइए कि अगर एक्स की वैल्यू मैं थोड़ी देर के लिए क्या क्या मान सकता हूँ, जो ऑप्शन दिए उसके हिसाब से भी ले सकता हूँ, मेथड से करूंगा, तो क्या लिखूंगा? 5 माइनस 5 आर इक्वल टू एक्स। यस और नो? कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है। अब आप ऐसा भी बोल सकते हो 5 माइनस एक्स इक्वल टू 5 आर। तो आर कितना बोल सकते हो बेटा? 5 माइनस एक्स अपॉन 5। इस आर की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -1 से +1। क्यों? तो मैं आर की एक्स की जगह कोई भी ऐसा नंबर रखूं जिसके रखने से +1 से ऊपर ना जाए, +1 इक्वल टू में नहीं होता, +1 पे ना जाए और -1 से कम ना। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर मैं 10 रख दूं तो क्या होगा? 5 माइनस 10 -5 अपॉन 5 -1। तो यानी -10 रख सकता था, -10 नहीं रखना, -10 के बाद की वैल्यू रखना। अभी इक्वल से समझ। अब इससे तो बड़ी होगी। अब अगर मैं इसमें x की जगह 0 रख दूं तो क्या मिलेगा बेटा? 1। तो 0 से छोटी रखना चाहिए। तो ये आंसर खुद आ गया। तो क्या आंसर हुआ? -10 to 0। भाई एक मिनट रुक जाओ। माइनस टेन रखा मैंने, कर दिया 5 माइनस 10 रखा आपने जब मिला है, और 0 रखा तो 0 से 10, सॉरी, तो क्या मिला आपको? 0 से 10। ये समझ में आ गई बात? ये छोटी छोटी चीजें जिन पे ध्यान रखना। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनको आप देख के बता सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर, जरा ध्यान दीजिए, 4th। ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल कब होता है? जब ए इंटू ए ट्रांसपोज आई हो, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। अब ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। पहले हम 60 वो क्वेश्चन ढूंढे जो फेवरेबल है, देन फिर हम सोचेंगे कि बाकी क्वेश्चन क्या करना है। इस एनालिसिस में मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। ये समझ में आ गया? इसमें समझ में आ गया? मैंने रखा 10 था, वो गलती से लिख दिया कि 10 रख के हमें देखना केवल इतना था -1 से +1 कम मिलेगा। अच्छा, अब यहां पर अब जैसे ऑर्थोगोनल की कंडीशन है ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, तो यहीं पे छोटा सा रिवीजन कर लो ना एनालिसिस के समय। इनवॉलेंटरी की ए स्क्वायर इक्वल टू आई, दैट इंपॉर्टेंट की ए स्क्वायर इक्वल टू ए, नल पोटेंट की ए पावर के इक्वल टू नल मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स ए पावर के प्लस वन इक्वल टू ए। यस और नो? तो आप अगर इसी समय रिवीजन कर लेंगे तो काम हो जाएगा। पीरियोडिक मैट्रिक्स ए पावर, अच्छा ये पीरियोडिक हो गया। हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब ये सेट का जो अगला क्वेश्चन है, सेट थ्योरी का है इजी, पर फिर भी इसमें कभी कभी टाइम लग सकता है। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, जो बिल्कुल सबसे इजी क्वेश्चन हो, हम केवल उन्हीं पे फोकस करेंगे। तो आप जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए, एक्स लाई बिटवीन 6, में थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं अभी एक भी टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन नहीं लूंगा, नॉट एनी सिंगल। फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि हम कैसे 60 प्लस अचीव करें, जिस ढंग से अपने क्लास में फाउंडेशन किया है,
पूरा पेपर वैसे ही है, आप देख लो कोई क्वेश्चन हटके नहीं आया, पूरी चीजें क्लास में बेसिक से पढ़ाई गई हैं, उन्हीं चीजों को हम कवर कर रहे हैं। तो क्या होगा बताओ, तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये देखते ही बन जाएगा, 3 - 1 + 1/3 - 1/9 + so on, ये है एस इनफाइनाइट। अब एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 - r, यस और नो, तो कितना हो जाएगा 9/4। अब क्या ये क्वेश्चन आपको पहली बार में नहीं करना चाहिए, ये देखने की जरूरत है आपको, अगर आपने ये चीजें समझ ली आपकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप कट ऑफ तो बहुत अलग बात है, उससे कई ज्यादा करोगे। अब जरा क्वेश्चन नंबर 10th से 11th, 8, 9, 10th पे जाएं, तो 3 रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है, आ सर्वे ऑफ कंडक्ट पर फिर भी इसको आप बाद में भी कर सकते हो, पहले भी, सेट थ्योरी का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, करना है हाँ, तो अभी इसको पर हम करेंगे बाद में, वैसे उसमें दिया क्या क्या वो देखते हैं। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिनको छोड़ रहा हूँ उनको सेकेंड राउंड में करेंगे। 11th, व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन। आप सोचिए आपसे मिडिल टर्म पूछा है, पहले ये क्वेश्चन कैच करो, बिल्कुल छोड़ दो, मैं आपको बोल रहा हूँ आपको उपाय वाला बन जाएगा, सेट थ्योरी सब पढ़ा पर ऐसे छोड़ो, अभी पहले वो देखो जो बिल्कुल एक एक स्टेप में बनते हैं, जिनको आप देखते ही 100% श्योर है, अपने आप राइट भी बढ़ेंगे, अटेम्प्ट भी बढ़ेंगे, सब कुछ होगा। अब इसमें मिडिल टर्म बोला है 2 + 3x की पावर कितना 4, मिडिल टर्म क्या होता है, अब पावर इवन है तो थर्ड टर्म होगा मिडिल टर्म, मिडिल टर्म मतलब याद है ना, थोड़ा थोड़ा रिविजन कर लो, n/2 + 1, तो थर्ड टर्म क्या होगा, 4c2 2 की पावर 2 और 3x की पावर 2, तो 4c2, अब इसकी वैल्यू के टर्म में दिया, कोफिशियंट पूछा है, तो 4c2 कितना बेटा 6 × 4 × 9, तो 36 × 6 216, तो 216 इज अ राइट आंसर। पहले ये क्वेश्चन ढूंढो ना, आप क्यों उलझ रहे हो कि आप पहले पूरे हर क्वेश्चन कर लो, फिर देखो 12th, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसको करना है, 12th क्वेश्चन को देखो, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप मेरे साथ करोगे ना एनालिसिस, अभी स्कोर बढ़ जाएगा, पूरा फाउंडेशन तो पढ़ा ही आपने। ए इनवर्स का इनवर्स बोलो, इज राइट, यस एब्सोल्युटली राइट। फिर डिटरमिनेंट ऑफ, ये भी करेक्ट है, पता है आपको 1 upon determinant है, ये भी प्रॉपर्टी है। फिर थर्ड जो है लैम्डा ए का इनवर्स, लैम्डा कांस्टेंट होता है तो केवल इनवर्स मैट्रिक्स का ही होता है, तो ऑल आर करेक्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12 के बाद नेक्स्ट आइए, 13 भी कर सकते थे, 13 भी इजी है और कर सकते थे और करना चाहिए, देखिए क्या है 13 में। अब मैं एक और चीज बताऊं कि क्या चीज नहीं लिखनी है वो भी समझो, ये क्वेश्चन मुझे आपको समझा रहा हूं इसलिए बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप अलग से ना लिखें, x x² x³ y 5/2 10 y^5 है ना, हाँ कहीं पे मैं गलत लिख दूं तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश है कि पूरा कम से कम समय में हम कैसे करें। अब देखिए सबसे पहले आप चाहें तो इससे क्या कॉमन, x इससे y इससे 3, तो यहां मिला 1 1 1, आप इसमें एक्स वाई की वैल्यू रख के भी कर सकते थे पेपर में, इसमें एक्स वाई की वैल्यू पर मेथड से भी जल्दी हो जाएगा, 1 1 1 बोलो, x 5/2 3 x² 10 y^4। अब 2 0 बना सकता हूँ मेंटली, तो 2 0 बनाया तो अब देखो स्टेप क्या लिखनी है, मैं बताता हूँ तरीका, ये तो 3xy हो ही गया, अब 2 0 बनाएंगे तो ये 0 होगा, ये क्या बचेगा 5/2 - x 3 - x, बोलो 10 y^4 - 9 - यस और नो। अब एक बार बताइए कि ये आ गया हमारे पास, इसमें से क्या कॉमन, अब इसमें पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट, कौन सा होगा, ठीक है। तो एक चीज बताइए, ये मैं चाहूं तो इससे 3 - x ले सकता हूं बाहर, देखो 3 - x ले सकता हूं या x - 3, सपोज ये ऐसे ही लिखा रहे तो, अगर मैंने 3 - x - 3 निकाला होता तो अंदर क्या बचता, 1 माइनस का, और यहां पे 3 - x * 3 + x है,
तो यहां बोलो कितना बचता, माइनस का, तो इसका मतलब x माइनस थ्री इसका फैक्टर है। x माइनस थ्री दिया ऑप्शन में, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इतना कोई करने की जरूरत नहीं थी। पहले तो समझो, ये कई बार हम ऐसे उलझ भी जाते हैं। आपसे केवल फैक्टर पूछा था, इनफैक्ट मेरी गलती है कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, मुझे लगा सॉल्यूशन निकालना है फैक्टर। अब ये भी छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है, कई बार हमारे को ध्यान देना है। अब फैक्टर पूछा इन्होंने, तो अगर मैं लॉजिकली देखूं तो मैं इसको इससे माइनस करूं, इसको इससे माइनस करूं तो एक्स माइनस थ्री, इसको माइनस किया तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, इसको माइनस किया तो एक्स क्यूब माइनस 27, खत्म। एक्स माइनस थ्री कॉमन फैक्टर है, यानी मैं खुद भी बोलूंगा कि ये क्वेश्चन को मैं ऐसे नहीं बल्कि ये करना चाहिए था। ये चीजें हैं जिनको हम एनालिसिस के थ्रू समझेंगे, एक दूसरे से अंडरस्टैंड करेंगे कि कहां पे हम लैग कर जाते हैं। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, किसको 14 को 13 को वैल्यू लेके भी नहीं करना। नो, चार्टर पूछा, मैंने वो स्टेप पढ़ ली होती तो अच्छा रहता, मुझे लगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ही निकालना है। इसमें जब बोला एक फैक्टर बताओ तो देख के ही समझ में आ गया ना बेटा, ये x माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, एक्स क्यूब माइनस 27, इसमें x माइनस थ्री हो ही गया, ये x माइनस थ्री, x प्लस थ्री, और ये a क्यूब माइनस b क्यूब, तो x माइनस थ्री फैक्टर आ गया। वैल्यू लेके भी टाइम क्यों खराब कर रहे हो? इज दैट क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, cos थीटा साइन थीटा, माइनस को यूज करते हुए कर रहा हूं, साइन थीटा और cos थीटा। अब आपसे इसका क्या पूछा है, एडजॉइंट, 2 × 2 का एडजॉइंट डायरेक्ट निकालना सिखाया मैंने, ये दोनों इंटरचेंज होते हैं और इनके साइन चेंज होते हैं, क्यों भाई? राइट? अब ये ऑप्शन किसमें दिया है, ए में, ये करेक्ट है। अब पहले पेज पे 14 क्वेश्चन थे, आपने 6-7 आराम से कर लिए, तो मैं आपको एक सजेशन यही दूंगा कि पहले मैं उन 50% को देखूं जो एक या दो स्टेप में हो रहे हैं, फिर मैं ये सोचूंगा कि मैं बाकी क्वेश्चन को कैसे करूंगा। और मैं श्योर हूं अगर आपने ये टेक्निक अपनाई तो आप एक घंटे में 60 करके 30-40 और कर लोगे। राइट? यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है 15। अभी आप देखना कितने जल्दी आप कितने क्विकली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, रॉन्ग भी नहीं होंगे, सब क्वेश्चन राइट होंगे, कहीं उलझने की जरूरत नहीं, बस आप देखते जाओ, बस जो चीजें पढ़ाई है फाउंडेशन में वो सब याद रखो। अब जैसे 15 है, 15 क्यों कर रहा हूं पहले, क्योंकि मैंने आपसे बोला आप ये तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, इस पे एक क्वेश्चन हर साल आता ही, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, जरूरी नहीं इसको ओमेगा स्क्वायर भी मान सकते, मैंने पर बोला था ना किसी एक को फिक्स कर लो, तो प्लस को ओमेगा कर लो, इसको माइनस, और फिर ओमेगा पावर कभी भी 3n लिखा हो तो 1, 3n प्लस 1 हो तो ओमेगा 3n प्लस 2, ऐसे रिवाइज भी करते जाओ, प्रीवियस ईयर के पेपर करने के साथ साथ रिलेटेड थ्योरी रिवाइज करते चलो, अभी मैं यही करूंगा आपके साथ, तो रिलेटेड थ्योरी याद करते चलोगे सब काम हो जाएगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू। अब देखो ये क्वेश्चन जो 15 था, मैं पहले एक बात बता दूं कि ये मैं आपको केवल क्योंकि समझा रहा हूं बोर्ड पे इसलिए लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना है। अब बिना लिखे क्वेश्चन कम से कम 20 से ऊपर होंगे जो आपको पढ़ाया उससे बन जाएंगे। ये ओमेगा है तो ओमेगा की पावर क्या हुई, और ये भी ओमेगा स्क्वायर है, पावर क्या हुई, 3n वाला मल्टीपल हमेशा ही 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना 2, तो आंसर विल बी। ये क्वेश्चन लिखा है आपको केवल 1 + 1 = 2 लिखना, और अब ये 1 + 1 नहीं लिखने लगना रहा पेज पे, 1 + 1 तो पता ना क्या होता, हम क्या होता है हर छोटी छोटी चीजें लिख रहे होते हैं, ये नहीं लिखनी है, स्टेप सेव करना है। ये एनालिसिस में मैं देखो आपको कितने जल्दी मैथ्स के पूरे टॉपिक जिस ढंग से पढ़ाए रिवाइज करवाऊंगा, साथ में कंसेप्ट बनवाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, याद रखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिसेस डिटरमिनेंट ट्रिग्नोमेट्री, इससे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। अब देखो 16 जो है, और परमुटेशन नॉर्मली लोग छोड़ते हैं, मैंने आपको बहुत बेसिक से पढ़ा उससे करो आप। देर आर 17 प्लेयर आउट ऑफ विच 5 प्लेयर कैन बॉलर, इन हाउ मेनी वेज कैन टीम 11 प्लेयर सिलेक्टेड इंक्लूडेड 3 बॉलर। अब कितने लोग हैं पहले तो बताओ, इसमें 5 क्या है और 12 क्या है बैट्समैन है। एक बात, अब आपको जो टीम बनानी है 11 की उसमें कम से कम 3 बॉलर रखना है, एटलीस्ट बोला है ना, क्या बोला है एटलीस्ट, तो एटलीस्ट बोला तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसा बोल सकते हैं 12C 8 5C 3, क्यों ये भी, और इसमें सी के टर्म में ही दिया आंसर, बोला ना एटलीस्ट 3 बॉलर्स, ऐसा भी हो सकता है क्या, अच्छा इंक्लूड 3 बॉलर ही बोला, बस खत्म, यही होगा।
अब बताओ इसको सॉल्व तक नहीं किया है आप, अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो सब छोड़ के, तो फायदा क्या? आप उनको क्यों करना चाह रहे हो जो टाइम कंज्यूम कर रहे हैं? फिर क्वेश्चन नंबर आओ जरा 17 पे। मैंने आपसे बोला था लॉक की बिल्कुल बेस प्रॉपर्टी है और लॉक का यूज तो हर जगह होता है, तो 17 देखिए जरा क्या है। क्वेश्चन समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप मत लिखना। अब देखो मैं इसको बोलूं तो ये हो गया 3/2 प्लस 5/3, क्यों 9 प्लस 10 19/6, ये आंसर आ गया राइट। अब क्यों समझ में आया कि नहीं? नहीं आया। अब ये आपकी स्टेप होनी चाहिए थी, ये आपकी स्टेप क्वेश्चन में लिखी। अब कैसे लिखिए? आपको मैंने लॉक के फॉर्मूले में क्या बताया था बेटा, हम हमेशा ये फॉर्मूला दिमाग में रखते हैं, और मैंने आपको स्पेशली बोला है, इसलिए बोल रहा हूँ कि पेपर का रिवीजन आपके एकदम स्कोर बढ़ा देगा। एन बाई पी लॉग बेस ए एम, पावर की जो बेस की जो पावर होती है वो अपॉन में आती है, लॉग का कोफिशेंट और ये हो तो 1। अब इसका मतलब बेटा 3² है और इसका मतलब है 3³। वहीं के वहीं लिखना पेपर में काट के, कोई पेपर को सजाना नहीं है आपको, संभाल के रखना है, वहीं उसी जगह लिखना। मैं जैसे ये समझ लो पेपर है आपका 2 का, यही तो टेक्निक्स है 2 की पावर 5। अब ये 5/3 आ गया, 3/2 आ गया, ये दोनों सेम बेटा 1 है ना। अब मैं अलग से इसका एलसीएम लेने का भी टाइम वेस्ट क्यों करूंगा, 3 2 6 फिर 3 3 9 फिर 10 फिर 19 लिख रहा हूं। तो ये क्वेश्चन आपको पहले ऑर्डर में करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 और मेरी बातों को बिल्कुल याद रखना, सब कुछ अच्छे से पढ़ाया हुआ, जितना कोर्स आपके पास है उसमें एक भी चीज नहीं छूटी है। 18 देखो, इफ ए एंड बी आर 2 इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये आपसे रिवर्सिबल प्रॉपर्टी पूछी है, रिवर्सिबल प्रॉपर्टी पूछी है ना। अब NDA-2 2018 वाला पेपर कर रहे हैं, फिर आ जाओ 19 पर। 19 भी आप चाहो तो पहले राउंड में कर सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारा सा क्वेश्चन है। क्या दिया है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बोलो, देन वन ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है। दिया क्या है? ए माइनस एक्स सी बी, सी बी माइनस एक्स ए, बी ए सी माइनस एक्स। अब अगर मैं आपसे बोलूं इन तीनों को ऐड कर दो तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया ही है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 0, तो इसका एक रूट 0 आ गया, खत्म। क्योंकि x की जगह अगर हम 0 रख देंगे तो ये सब सेम हो जाएंगे, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, डिटरमिनेंट 0 वैल्यू। यानी आप खुद सोचो कि आपका पेपर का जो है ना सॉल्यूशन का अप्रोच है ना, वो डिफरेंट बनाना अपने को। आता है सब कुछ, पर हम पेपर में वो अप्लाई नहीं करते, हम पता नहीं क्यों टफ क्वेश्चन में घुस जाते हैं उलझने वाले। पहले बिल्कुल छोड़ दो बिंदास, हो सकता है आपको जो सेट मिले उसके स्टार्टिंग के 5 टफ हो, कोई बात नहीं, 10 टफ हो, कोई बात नहीं, अभी तो आप ढूंढते चलो। अभी मैं आपके साथ इसलिए पेपर डिस्कस करूंगा, जो आपको टफ पेपर लगे उनको पूरा डिस्कस करूंगा। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं जरा। अब बोला है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द मैट्रिक्स डज नॉट हैव एन इनवर्स। अब बताना है कि एक्स की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि जिससे ये इनवर्स ना मिले। भैया इनवर्स जब नहीं मिलता है, जब ये 0 हो जाए, क्योंकि इनवर्स की फंडामेंटल डेफिनेशन इसका 0 नहीं होना चाहिए, पर अभी 0 बोला है तो आप बोलेंगे 2x प्लस 32 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू। अब इसके लिए क्या पेन चलाओगे? कितना बेसिक थ्योरी को कंसेप्ट बनाने के साथ पढ़ना है, ये चीज समझो। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। मैं तो सोच रहा था कि 10-10 छोड़ने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ रहा है। अब जरा हम 21 क्वेश्चन को देखें, तो 21 क्वेश्चन में दिया है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंस कंसिस्टेंस। ये जब भी बोला जाए इसका तरीका आपको मैंने बताया कि आप सबसे पहले इक्वेशन का डिटर्मिनेंट निकालें, पेपर आप लोग निकाल लेना, ये बात ध्यान रखना NDA-2 2018। अब देखो तो क्या होगा, 2x प्लस y माइनस 3z इक्वल टू 5, ऐसी इक्वेशन दी है, बोर्ड पर समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 3x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 5, 5x माइनस 3y। अब मैं आपसे बोलूं तो आपको केवल पहले तो डेल्टा निकालना है राइट, और मैं जो तरीका बता रहा हूँ समझना, सीधा इससे ही निकाल दूंगा मैं। मतलब आप क्या करते हो, मैट्रिक्स बनाते हो डिटरमिनेंट, अभी मैं बताता हूँ क्यों नहीं बनाना है। 2 माइ प्लस 6 कितना हुआ, 8, 8 2 जा 16, 2 प्लस 6 8
2016, अभी इधर आओ, 10 + 3 = 13, -9 + 10 क्यों कितना मिला 1, तो ये -3, नॉन जीरो आ रहा है, नॉन जीरो मतलब कंसिस्टेंस विथ यूनिक सॉल्यूशन, आंसर आ गया। अब ये पेपर में लिखा था मैंने, एक स्टेप लिखी, अब आप क्या करते हो कई बार, ये अगर लगे जरूरत तो लिख लो कहीं पे, ऐसा नहीं कि हर जगह ही ना लिखो, कभी कभी नहीं लिखने से मिस्टेक हो जाती है। अभी आपने करा -9, हाँ -9 + 10 तो -3 सही लिखा है। अरे ये देखो 2, 3, 5, 1 - 2 - 3, -3, 2 - 1, यही था। करिए जरा सॉल्व, सॉल्व करिए क्या आएगा। अब ये प्लस का छोड़ो, वो तो मुझे यहां समझ में आ गया, नहीं हो रहा जीरो, आप 2 के साथ लेते 2 + 6 यही लिखते, 1 के साथ लेते -10 + 3, -3 के साथ लेते -9 + 10, ठीक है। आप बोलो कितना, तो ये 8 = 16, ये 13, और ये बिल्कुल ठीक है, आप प्लस 3 बोल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, पर ये जीरो तो नहीं है ना, वही तो लिखा था -3 तो आएगा +1, क्यों गलत करवा रहे हो आप सही चीज को। डन, क्लियर हो नॉट, हाँ बोलिए। नहीं 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 नहीं, वो तो जब कांस्टेंट टर्म जीरो होता है तो होमोजीनियस इक्वेशन होती है, और उस केस में दो नए वर्ड मिलते हैं, ट्रिविलियर सॉल्यूशन और नॉन ट्रिविलियर सॉल्यूशन, ये बोला था मैंने। जीरो होता पहले तो ये समझ में आ गया, पहले तो जनरल केस है, आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि ट्रिविलियर सॉल्यूशन और नॉन ट्रिविलियर सॉल्यूशन इज अ डिफरेंट थिंग, ये जब होता है यूज जबकि होमोजीनियस इक्वेशन हो, जबकि जीरो 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 होता। अभी इस केस का आंसर ये हुआ, मान लो अगर ये आपने क्वेश्चन पूछा, अगर ये तीनों जीरो होते तो ये होमोजीनियस होती, तो होमोजीनियस के केस में ये नॉन जीरो आए तो हम बोलते हैं ट्रिविलियर सॉल्यूशन, और अगर ये भी जीरो आ जाता तो (1, (x, y) तो जीरो होते, तो नॉन ट्रिविलियर सॉल्यूशन। हाँ कॉन्स्टेंट दिया होता और फिर भी ये जीरो आता, मान लो अब थोड़ी देर के लिए मान लो जीरो आ गया, तो फिर हमें इसका निकालना पड़ता था (Δx), जिसमें x के कॉलम को डिलीट करके कांस्टेंट टर्म लेते हैं। ये अगर नॉन जीरो आए तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंस विथ नो सॉल्यूशन, और ये अगर जीरो आ जाए तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंस विथ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन करना चाहिए, पर इतने में चांस ले सकते हो। एक्चुअल में तो रूल ही होता है (Δx, Δy, Δz), इसमें कोई एक भी नॉन जीरो होता है तो नो सॉल्यूशन, और जब तीनों जीरो होते हैं तो इनफाइनाइट, पर कब कब डेल्टा जब, तो ये चेक करना होता है, अदरवाइज नहीं करना होता। तो अब डेल्टा जैसे नॉन जीरो आया तो आपने इमीडिएटली बोला यूनिक विथ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, डेल्टा अगर मान लो जीरो आता तो हम (Δx) करते, और (Δx) के बाद बाय जेड निकालने में टाइम वेस्ट मत करना, (Δx) से ही कंक्लूजन दे सकते हो। अगर जीरो आया तो इनफाइनाइट, नॉन जीरो आया तो नो सॉल्यूशन, और ट्रिविलियर नॉन ट्रिविलियर कब बोलोगे, जब होमोजीनियस इक्वेशन की बात होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैं पेपर सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, पेपर सॉल्यूशन के साथ जो जो कंसेप्ट है वो क्विक रिवाइज भी करूंगा, पर आप क्वेश्चन सॉल्यूशन का टाइम देखोगे तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप 1 मिनट से कम में क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे साथ। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए समझिए। एक्चुअल में सारा कंसेप्ट इस बात पे कि आप पेपर को किस ढंग से इनिशिएट करते हो। आप 2 क्वेश्चन में उलझे आप डिप्रेशन में आ जाओगे, टेंशन में आ जाओगे, उलझना है ही नहीं। आप 22√ω की बहुत बेसिक प्रॉपर्टी पर उलझ सकते हो, लीव दिस क्वेश्चन। फिर आओ 23rd, इसको भी बाद में करेंगे, PQR GP बोला है। फिर 24 किसका है, कोफिशियंट ऑफ मिडिल टर्म, ये आप बिल्कुल कर सकते हो पहले राउंड में, है ना। क्या बोला, लेट द कोफिशियंट ऑफ मिडिल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसका मिडिल टर्म कितना है, इसको भी बाद में करेंगे, टाइम लग सकता है, ठीक है। अब आओ 28 पे, सीधा 28 पे,
कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मैट्रिस एबीसी. अब ए प्लस बी प्लस सी का ट्रांसपोज बोलो. पहले ये क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे, फिर सोचेंगे क्या होना आगे का. ठीक है, ये करेक्ट है क्योंकि मल्टीप्लाई में होता है. ये ए इंटू बी डैश इक्वल टू, ये कैसा है? रॉन्ग है क्योंकि रिवर्सिबल ऑर्डर लगता है. सी कैसा है? सी डैश बी डैश एट, ये कैसा है? सही है. तो कौन कौन से? वन एंड थ्री. बस ऐसे पहले क्वेश्चंस को देखो. अब अगले क्वेश्चन में आपसे सम ऑफ बाइनरी नंबर पूछा है. क्वेश्चन सिंपल है पर फिर भी मैं बोलूंगा, बाद में सोचेंगे क्या करना है. हाँ कल बाद में सोचेंगे, इसलिए तो बोल रहा हूं. अब क्वेश्चन नंबर 31 लॉग का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड है ना, कि 0.2 की पावर x इक्वल टू कितना दिया है? 2 है, 2 ऐसा है. 31 जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, 0.2 की पावर x इक्वल टू बोलना 2, और आपको एक वैल्यू दी है. अभी करेक्शन कर लीजिए ना, ये है क्वेश्चन. यस और नो? तो बाय लॉजिक अगर समझें तो आपको 2/10 की पावर x इक्वल टू कितना दिया है? 2. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो जो चाहता आपसे वो लॉग लेने के लिए बोल रहा है. तो अगर मैं बोलूँ लॉग ले लो तो 2/10, बिल्कुल धीरे धीरे करो आप सब कुछ, पहले सिंगल राउंड राउंड के करो. ये कितना? लॉग 2. क्यों भाई? ये x मल्टीप्लाई में आ गया तो x इंटू लॉग 2 माइनस लॉग 10, ये लॉग 2. अब लॉग 2 की वैल्यू दी हुई, लॉग 10 1 होता है. तो x लॉग 2 माइनस x इक्वल टू बोलो. पूछा क्या है? x पूछा तो इसका मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही लिखा रहे तुम. तो एक तरह से x इक्वल टू क्या हो गया? लॉग 2 अपॉन माइनस 1. लॉग 2 इज 0.3010 अपॉन लॉग 2 0.3010 माइनस 1. तो पहले तो एक चीज सुन लो कि आंसर नेगेटिव आएगा, और मैं बिना सॉल्व करे आंसर बता सकता हूँ. ये लगभग होगा कितना? 0.7 के आसपास. यस और नो? अगर ये 0.6 होता तो 0.5 मिलता, पर ये 0.7 है तो ये थोड़ा और कम हो गया. तो -0.4 एक ही आंसर दिया. दिस इज द राइट आंसर. नियरेस्ट पूछा, सॉल्व करना ही नहीं है. आप बच्चे क्या करते हो आप लोग, क्या आप डिवाइड करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो? पहले लॉजिक समझ में आया? मेरा कैलकुलेशन में आपको बताऊंगा कहाँ पे आप उलझ जाते हो. लॉग 2 माइनस 1 अप्रोक्सीमेट 0.7 माइनस का, ये 0.3. तो अगर 3/7 में 7 बोलूं तो 7 × 4 = 28, 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए. तो 4 एक ही में, नेगेटिव 4 पॉइंट एक ही में. देखो आप जरा, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है. हम जो यहाँ लॉग ले रहे हैं लॉग बेस 10 के साथ ले रहे हैं, ये लॉग 10 के साथ ही दिया. जब नहीं लिखा होता तो लॉग बेस 10 है. कैलकुलस के अलावा हर जगह लॉग का बेस हम क्या रखते हैं बेटा? 10. आया समझ में? ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको हम सबसे पहले करेंगे, फिर बाद में सोचेंगे कि क्या करना है. यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुनिए, और अगला क्वेश्चन भी इजी है. 32 भी करिए पहले, 32 के बाद आएंगे. अब 32 क्वेश्चन को देखें तो 32 क्वेश्चन जो है वो क्या है वो देखिएगा. द टोटल नंबर ऑफ फाइव डिजिट नंबर दैट कैन बी कंपोज द डिस्टेंस डिजिट 0 to 9. अब रिपीटेशन नॉट अलाउड है. क्या कंसेप्ट बताया? इतनी सिंपल थ्योरी बताइए. पहले प्लेस पे जीरो नहीं आएगा, काउंटिंग प्रिंसिपल से करो. जो आपको मैंने पढ़ाया ना, जो आपके पास कोर्स में, उसके अलावा कुछ अलग नहीं है. तो ये 9, यहाँ 0 आ सकता है. 9, 8, 7, 6. यस और नो? अब इसमें ये देखो, आप मुझे एक बात ध्यान से देखो कि मैं आपको बिना सॉल्व करे बता सकता हूँ क्या आंसर आएगा. बिना मल्टीप्लाई करे सबसे पहले इसमें कहीं 5 नहीं आ रहा, तो 0 एंड में नहीं आ सकता. अब आप ध्यान दो, अब इसके मल्टीप्लाई का भी जो टाइम है मैंने वो बचा के अगले क्वेश्चन के लिए दिया आपको. अब मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं जब मुझे दिख रहा है कि 0 आने के लिए 5 और 2 होना चाहिए, 5 है ही नहीं. अच्छा एक बात, ये 9 9 81 हो गया, 7 6 42,
56 सॉरी, तो 6 और 66 या 36, एक ही के तो यूनिट में 6 है, मान लो दो में होता तो हम सोचते कितना मल्टीप्लाई करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई 9 जा 81 इंटू 8 करूं, ये जो टाइम किल हो रहा है ये आपके अटेम्प्ट को कम कर रहा है। मैं इसलिए बोलता हूं मैथ्स आना अलग बात होती है, मैथ्स तो कोई भी कर लेता है, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स को डेवलप करना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा जिस पे वर्क किया है। अब आओ जरा अगले क्वेश्चन पे, लिखा ना डिक्सटेंट देखो तो मेंशन है, नहीं होता तो रिपीटेशन अलाउड मानते, क्वेश्चन में मेंशन है क्लियरली ना, डिफरेंट डिजिट बोला हुआ ऑलरेडी उन्होंने, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या होगा, 33 व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्राइसिस। अब देखिए इसका डिटरमिनेंट पूछा है, सबसे पहले एक बात सुनिए, यही पूछा है, इस तरह के क्वेश्चन में आप एक्स वाई जेड की वैल्यू भी ले सकते हो, ठीक है, एक तरीका, और दूसरा तरीका कि आप इसे चाहें तो इससे वाई गया, इससे एक्स गया, इससे नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, अगर इनको ऐड कर दें आपस में, एक ही ऑप्शन में, अगर मैं इनको ऐड करूं, मैंने लिखा सही है ना, वाई रो वन यहां पर इन दोनों को ऐड कर दें, यहां पे जेड ही है, देखना जरा, आप याद रखो इसमें जो है ना इनको ऐड मत करना, इनको ऐड नहीं करना, इनको R1 में सुनो, R2 प्लस R3 जब करोगे तो ये मिलेगा ऐसा XYZ वैल्यू भी रख सकते हो पर जरूरत नहीं, XYZ अब XYZ कॉमन आएगा तो एक ऑप्शन में ही है XYZ तो बस करेक्ट हो गया डी, बाकी आप चाहो तो X की वैल्यू 1 Y की 2 Z की 3 मांग के 1-1 लेने पे प्रॉब्लम ये कि आपका ए ऑप्शन भी मैच कर रहा है, बी भी कर रहा है और सी भी, अगर 1-1-1 पे कभी भी ऑप्शन से करो तो पहले ऑप्शन में ही वैल्यू रखो कि दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो वैल्यू इनिशियल लेवल पे ही बदल लो, तो आप बताओ 1-1-1 पे तो दोनों तीन ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे। डन, ये क्लियर है बात। अब देखो 34 में थोड़ा भी उलझ सकते हो, 1+sin a है, अभी नहीं बाद में, जहां पे एक स्टेप भी बल्कि हो जाएगा फिर भी बोलूंगा एक सिंगल स्टेप भी लग रही ना उलझने की, लिव दिस क्वेश्चन। 35 पे आइए जरा आप लोग, 35 क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। सबसे पहले सुनिए a एंड b आर, अब ये ट्रू नहीं है क्योंकि मैट्रिक्स में ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस बी ए, फिर बोलो माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर,
जब तक अलग से ये मेंशन ना हो ए बी इक्वल टू बी ए, जब तक आप इसे ऐसा नहीं लिख सकते, ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है, तो फर्स्ट रॉन्ग हुआ। अब सेकंड पे आए, ए माइनस आई, आई प्लस ए। अब देखिए इसको दिस इक्वल टू नल मैट्रिक्स दिया है, आप बताइए ये क्या हुआ, आई का किसी भी मल्टीप्लाई वही मिलता है, तो ए आई मतलब ए माइनस आई प्लस ए स्क्वायर माइनस ए, राइट। अब एक क्वेश्चन में आगे मेंशन भी है ए स्क्वायर इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, ये तो आपस में कैंसिल, पर ए स्क्वायर यूनिट मैट्रिक्स है तो ये भी कैंसिल, तो रिजल्टेड विल बी नल। तो क्या बोलोगे, ओनली टू करेक्ट, क्लियर है। अब ये वाली प्रॉपर्टी केवल जब वैलिड होती है जब ए बी इक्वल टू बी ए हो, अदरवाइज मैट्रिक्स में जैसे मैं बोलूँ मैट्रिक्स में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलो क्या होता है, आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, इफ एंड ओनली इफ एक कंडीशन होती है ए बी इक्वल टू बी ए, देन यूज दिस फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ओनली फॉर मैट्रिक्स। पढ़ रहा हो मैट्रिक्स में हमने पढ़ा है इन जनरल, ये सब चीजें पढ़ी हुई आपने इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, क्लियर है बात। तो ये चीजें हैं जो याद रखनी है आपको। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सुनिए जरा ध्यान से। अब ट्रिग्नोमेट्री आ गई, मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री आपका हथियार है क्योंकि इसमें आधे क्वेश्चन आप ऑप्शन से करोगे। अब पर हर क्वेश्चन को ऑप्शन से नहीं, ये दिया टू साइन टेन थीटा अपॉन 36 वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला ही है साइन टू, खत्म कहानी, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब आप बोलोगे ये, अब देखो अगला क्वेश्चन देखें 37 sec थीटा माइनस अल्फा sec थीटा एंड sec थीटा प्लस अल्फा आर एन ए पी, आर एन ए पी ए पी बोला है एक बात, और एक और बात cos अल्फा नॉट इक्वल टू वन एक मेंशन है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हो सकता है इसमें आप में से कोई थोड़ी देर के लिए उलझ जाए, आप बाद में भी कर सकते हैं पर इसको पहले राउंड में भी कर सकते हैं। क्या पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अल्फा। अब सुनो ये अगर एपी में दिए तो एपी की कंडीशन होती है टू टाइम्स ऑफ सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस अल्फा प्लस सेक थीटा प्लस अल्फा, सब कुछ यहीं छुपा है, आप इसे लिख सकते हैं टू अपॉन इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अल्फा, स्टेप कम से कम लिखिए कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस, यस और नो, एक स्टेप बचा ली हमने, कौन सी, ये हाँ वन अपॉन वाली, जो बच जाए मैं बोलूँगा एक स्टेप बच गई 20 सेकंड बच गए। अब कॉस सी ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, यहीं पर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लो, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी टू कॉस ए साइन बी, नहीं टू कॉस ए कॉस बी, बट नीचे जो लिखा है उसमें होता है एक्चुअली कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर बी, यस और नो, तो आप इसे लिखेंगे टू कॉस अपॉन कॉस थीटा ही रहने दें, इसे लिखेंगे टू कॉस थीटा साइन अल्फा कॉस अल्फा सॉरी कॉस अल्फा अपॉन माइनस, यस और नो, अब टू से ये टू भी कैंसिल, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कर दीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि मैंने ले लिया पर इसको मैं बाद में करूँगा तो ज़्यादा अच्छा होता, इक्वल टू बोलो कितना, ठीक है बेटा। अब इस कॉस का थीटा को मैं यहाँ लाया, इससे कॉमन ले सकता हूँ, बोलो क्या बच्चा, वन माइनस कॉस अल्फा, और यहाँ कितना बचा माइनस, बोलो, ठीक है। अब क्या होगा, आपको यहाँ पर साइन स्क्वायर में थीटा लाना और ये कॉस अल्फा, बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, कैसे कि इसको कॉस अल्फा, अब ऐसा लिख सकते हैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को चाहो तो लिख सकते हो वन माइनस, इसको वन माइनस कॉस अल्फा ही रहने दो, और इसको लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस अल्फा वन प्लस कॉस अल्फा, बताओ कैसे,
साइनस का थीटा होता है वन माइनस कॉस का थीटा, और वन माइनस कॉस स्क्वायर को डायरेक्ट ब्रैक बना दिया। अब वन माइनस कॉस अल्फा क्या कॉमन, तो बोलो क्या बचा, वन माइनस माइनस वन दिस इक्वल टू, इसका मतलब दिस इक्वल टू जीरो या दिस इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन में इनिशियली मेंशन है ये जीरो। अगर दो फैक्टर में से एक फैक्टर नॉन जीरो है तो दूसरा फैक्टर नेसेसरी जीरो, तो वन से वन कैंसिल, तो बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अल्फा कितना आ गया जीरो, तो आंसर विल बी जीरो। बट इस क्वेश्चन को आप सेकेंड राउंड में करते तो बेटर, वो तो स्टार्टिंग में देख के ही समझ में आ गया था, पर मैं बता रहा हूँ ऐसे आ भी जाए तो कर लिया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर पहले ट्राई करो फर्स्ट राउंड क्वेश्चन, नहीं ये आंसर आएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जरा क्या है। अब जो क्वेश्चन पहले राउंड वाले आप देखिए, जैसे ये 38 जो है ये सीधा सीधा आइडेंटिटी है, बट मान लीजिए भूल भी गए तो भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, मैंने आपको इसके लिए ट्रिक्स बताई हुई है, सीधा सीधा वैसे प्रॉपर्टी है। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 180, जब भी ये दिया तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। आपसे पूछा क्या है, साइन 2a माइनस साइन 2b माइनस साइन 2c, माइनस कॉमन ले लीजिए, साइन 2a प्लस सॉरी साइन 2b प्लस साइन 2c माइनस साइन 2a बन गया। ये डायरेक्टली आपने फॉर्मूला याद किया हुआ है, याद है ना, बट अब मान लो भूल गए फॉर्मूला, कोई बात नहीं आपको टेक्निक भी बताइए। a को लो 30, b को लो, c को लो, इसके करस्पॉन्डिंग ए लो 1, बी सी 2। अभी तो खैर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी नहीं लगेंगे, पर वैसे आप जो क्वेश्चन बोला है उसको बदलना नहीं, यहीं कहीं रख दो। ए रखा 30 तो 60 रखा तो 120, देन अगेन रूट 3/2। सी की जगह रखा 90 180, तो ओवरऑल आंसर 0। अब ऑप्शन में जाओ, ए ऑप्शन, एक मिनट, ए ऑप्शन नहीं कर रहा है, बी ऑप्शन, एक मिनट डी, एक मिनट रुक जाओ, डी ऑप्शन तो देखो क्या है, जिसमें कॉस सी आ रहा है वो करेक्ट हो गया, तो डी डेली इज द राइट आंसर, क्योंकि डी डेली में देखो क्या है, माइनस 4 साइन ए कॉस बी, वैसे भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, पर फिर भी आपने जो यहाँ रखे हैं वही एंगल, जिस एंगल से यहाँ रख के निकाला है, अब आप रखो ना यहाँ पे सी की जगह 90 इंटू एनीथिंग 0, तो डी इज द राइट आंसर। कहाँ दिया कॉस सी, कहाँ दिया बी में, साइन सी दिया है, देखिए साइन सी है, ये भाई स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, आप वैल्यू से भी कर सकते हो, ऑप्शन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, 4 साइन a साइन b साइन c, और ये साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c, दिस इज 4 cos a cos 4 साइन a साइन b cos c।
अब पर इसमें माइनस नहीं था तो आपने माइनस कॉमन ले लिया। चलिए नेक्स्ट देखो 39 हाइड्रेस टेस्ट का है, क्वेश्चन सिंपल है। अगेन फिर बोलूंगा नेक्स्ट स्टेप में करिए, पेपर पूरा ही सॉल्व करेंगे, बट ध्यान ये रखिए कि आपको पहले वही करना है जो बनते हैं। आप जैसे 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाँ इजी है बट हाइड्रेस टेस्ट का है। देन सेकेंड स्टेप सेकेंड राउंड में करूंगा मैं, आप जिनको आपको पहले राउंड में बन रहा है कर लो, मैं तो जनरल आपके हिसाब से सोचो, हर एक बच्चे के हिसाब से हाइट स्ट्रेंथ देख के कई बार छोड़ देते हैं। आप 40 बोला, इफ ए इज ए एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इफ सेटिस्फाई द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 3 × 3 माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस कॉट ए, यहाँ क्यूब है कि स्क्वायर है, और होल स्क्वायर भी है, इक्वल टू 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ ए, देन गो फॉर ऑप्शन। क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में चार आप वैल्यू रख के भी बता सकते थे। राइट अब सबसे पहले अगर मैं ए रख दूं 300 डिग्री ए से स्टार्ट करो तो 360 माइनस 60 लिखोगे तो 60 पर स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, तो 3 × बोलो 3 माइनस 3 और यहाँ आ जाएगा कॉट की तो 1/√, हाँ प्लस हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, ना भी लिखते प्लस तो फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर था रूट थ्री का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल क्या बचा 1, देन दिस इज द राइट आंसर। तो पहले इन क्वेश्चन को तो करो, पहले उन क्वेश्चंस को करो ना जिससे आपका आप सेफ जोन में आओ, फिर सोचो कि आप कैसे पेपर को कर सकते हो। ये 41 भी इजी है ना, पर फिर भी चलो आइटम स्टेज का बाद में कर लेंगे, क्वेश्चन टफ नहीं है पर इजीली कर सकते हो। अब चलो क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। 42 देखिए क्या है, पहला ऑब्जेक्ट हमारा है हम कैसे भी करके 60 प्लस पहुंचे। 42 है व्हाट इज ऑब्लिगार सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू बोलो √3, 0 से 2π बोला है, केवल 0 से क्या बताना है 2π, तो इसमें तो भैया एक काम कर सकते थे ऑप्शन से भी कर सकते थे, बट एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको पढ़ाते समय देखिए जो कंसेप्ट बताएं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना आपसे कि मैंने जो कंसेप्ट बहुत बेसिक फाउंडेशन में वर्क किया हुआ है और उसके फायदे आपको मिलेंगे अगर आपने याद रखी। अगर कभी ऐसा लिखा हो, ये मान लीजिए ऐसा लिखा AB = BC, तो ए बी माइनस बी सी इक्वल टू 0, क्यों बी कॉमन तो ए माइनस, इसका मतलब है बी इक्वल टू 0, और बट कभी ऐसा लिखा हो A/B = C/B मान लो, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बी कभी भी 0 नहीं होगा, यानी ओरिजिनल फॉर्म क्या, जबकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा बी कॉमन लोगे तो ए माइनस सी इक्वल टू 0, यानी बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 लिखोगे, यहां पर ए इक्वल टू सी ओनली होगा। और इसमें अब इस क्वेश्चन में लगेगा नहीं लगेगा अलग बात है, पर मेरा मैं कह रहा हूं ना पेपर के रिवीजन के साथ एनालिसिस के साथ चार और चीजें आपकी एड ऑन करूंगा जिससे कि पेपर में कुछ नई चीज आए तो क्या करोगे, इन पेपर के एनालिसिस के एडवांटेज क्या है ये समझ में आया। तो बी नॉट इक्वल टू 0, ए इक्वल टू सी यहां होगा ओनली, और इसमें बी इक्वल टू 0 हो सकता है। अब जैसे ये है ना, देखते ही मेरे दिमाग में एक चीज आ गई कि इसमें 1/ क्या आएगा, तो एक बात समझ लो अच्छे से, इसका अगर मैं एलसीएम लूं तो कुछ ऐसा मिलेगा 1 + cos x = √3
थ्री साइन एक्स, या ऐसा बोल सकते हो रूट थ्री साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू वन, आप एंगल निकाल सकते हो, बट यहाँ पर साइन एक्स कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। यानी अगर आपके आंसर में पाई जीरो या टू पाई दिए हो, वैसे तो ओपन है तो बीच में एक पाई आता, तो ये आंसर कभी भी गलती से ना ले लें। अब देखिए कितना मैंने आपको बिना देखे, अभी मैंने क्वेश्चन देखे ही नहीं थे, मैंने आपको कुछ चीज़ बताई और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई। देखो सी ऑप्शन क्या है, पाई ओनली, डी है पाई, पाई बाई थ्री। सबसे पहले पाई जिसमें है वो आंसर कभी भी हो ही नहीं सकता, समझ में आया। वैसे इस क्वेश्चन में पाई रख के खुद भी कंक्लूजन देते हैं, कॉस पाई इनफाइनाइट होता है, बट मैं क्योंकि ये थोड़ा रिवीजन इसलिए करवाता है, ये कैलकुलस में भी काम आते हैं कंसेप्ट। मेरा कोशिश है कि एक क्वेश्चन से चार और क्वेश्चन आपको बनाना सिखाऊं, कैसे सीखते हैं हम, कैसे क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है, समझ में आया। बाकी तो आप एंगल रख ही सकते थे। अब आते हैं हम इसका ए ऑप्शन क्या है, फाइव पाई बाई थ्री ओनली एक, और दूसरा है, तो पहले हम पाई बाई थ्री रख के देख लें, पहले हम पाई बाई क्यों, अच्छा ये ऑप्शन मैं देख के रिजेक्ट कर सकता हूँ, बताओ क्यों, फाइव पाई बाई थ्री, नहीं 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 नहीं, ये कौन सा है, एंगल कितना हुआ ये 300, नहीं नहीं बाहर नहीं जा रहा 300, वहाँ पर नेचर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो भैया नेचर नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, तो बचा कौन सा, आपने कहीं पुट किया पाई बाई थ्री, कहीं पुट नहीं किया। इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट, जो मैंने आपको बनवाए हैं वो ये वो चीज़ कि ये चीज़ करनी है हमें पेपर में। जब आप देखो कैसे नहीं होते सर, आपको ऑप्शन भी पुट नहीं करना पड़ा इस क्वेश्चन, अरे भैया पाई पाई बाई थ्री 300 डिग्री पे कॉसेक और कॉट दोनों ही निगेटिव हैं, तो पॉजिटिव आंसर आ ही नहीं सकता, काय के लिए रख के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर हम करते हैं एग्जाम में, ये चीज़ें ही बचानी। मुझे तो आपसे ऑप्शन में जब भी करवाऊंगा तो बोलूँगा तीन रॉन्ग ढूंढो, तीन रॉन्ग ढूंढ लिए तो बचा हुआ अपने आप ही। अब चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अब देखो इसको आप बोल रहे हो, जैसे इसको मान लो मेथड से करना होता, मान लीजिए अगर इसका जनरल सॉल्यूशन ही पूछा होता अभी, तो जीरो टू टू पाई लिख दिया, तो क्या करते इनके, ये ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी की फॉर्म, तो इसमें क्या करते हैं साइन कॉस के कोफिशियंट के स्क्वायर्स के सम के स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, तो इसका कोफिशियंट रूट थ्री का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 का हर तरफ डिवाइड कर देते हैं, इज दैट क्लियर। अब इसको लिखा साइन एक्स कॉस पाई बाई 6 माइनस कॉस एक्स साइन पाई बाई 6 इक्वल टू 1/2, अब ये बन गया साइन एक्स माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू साइन पाई बाई 6, फिर जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। अब जनरल सोल्यूशन के फॉर्मूले यहीं के यहीं रिवाइज कर लो, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा देन एक्स इक्वल टू, पर यहाँ नहीं करना है इसको इस मेथड से, क्योंकि आपको इंटरवल दिया था, जब इंटरवल नहीं दिया होता जब हम जनरल सोल्यूशन निकालते हैं, अदरवाइज जनरल सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, तो एक्स इक्वल टू एन पाई माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा, यहीं के यहीं रिवाइज करो, यही तरीका, अगला क्वेश्चन में यही तो होने वाला है, कुछ और चेंज होगा तो वो क्या क्या नई चीज़ें पूछेंगे। आखिरी टाइम में पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया, देन आप रियलाइज नहीं करोगे आपका स्कोर बढ़ जाएगा। अब साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा कॉस एक्स इक्वल टू, अगर कॉस अल्फा हो तो एक्स इक्वल टू बोलो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अगर टेन एक्स इक्वल टेन अल्फा हो तो एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, नहीं प्लस माइनस नहीं होता, प्लस अल्फा, तो ऐसे छोटे छोटे साथ में रिवीजन करते चलो, आपकी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी, कोई रीजन ही नहीं कि ना हो। अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते भी, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या करना है वो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, ये सब फेवरेबल क्वेश्चन हैं, फेवरेबल टॉपिक्स हैं। अब 43 देखिए क्या है, थीटा इक्वल टू
pi by 8, then the value of 2 cos theta plus 1 की power 10. टू कॉस टू थीटा माइनस वन की पावर टेन. अब क्वेश्चन लिखना नहीं है. टू कॉस थीटा प्लस वन की पावर टेन, टू कॉस फोर थीटा माइनस वन की पावर टेन. क्यों भाई? अब सबकी पावर क्या है? टेन. इसका आंसर है 0, 1, 2, 4. ऑप्शन ये है 0, 1, सुनो 2 एंड 4. ये ऑप्शन है. ठीक, यहाँ माइनस दिया. हाँ, ये माइनस दिया होगा. अब ठीक है, अब सुनिए. वैसे मैं इस क्वेश्चन को देख के बता दूं कि पावर 10 है तो पावर 10 का भैया आंसर जो है, अगर मैं यहाँ पे पाई बाई 8 रख दूं कहीं पे भी, यहाँ मान लो पाई बाई 8 रख दिया तो क्या बचेगा? हाँ, बचेगा पाई बाई 2. कॉस पाई बाई 2 कितना? 0. ठीक है, यहाँ रख दो पाई बाई 8, यहाँ रख दो पाई बाई 8, पाई बाई 4 यहाँ रख दो, कहीं पे 0 होने की संभावना है तो ये आंसर होगा नहीं. ठीक है, 0 होगा नहीं. और किसी भी नंबर की पावर 10 हो तो इतना छोटा आंसर होगा नहीं, केवल 1 की पावर 10 पे 1 मिलता है. तो क्या आंसर होगा? 1. ये तो हो गया आंसर, ये नहीं होंगे. अब मैं सॉल्व करके बताता हूँ, पर लॉजिक समझ में आया कि इन सगे पे कहीं पे भी रखने पे कोई एक फैक्टर 0 होता तो 0 हो रहा था, पर पाई बाई 8 पे कोई भी फैक्टर, क्योंकि ठीक 1 के इक्वल नहीं मिला, ये 1 मिलेगा नहीं, 1 माइनस 1 ही 0 होता ना बेटा, ये भी 1 नहीं मिला, ये भी 1 नहीं मिला, तो 0 तो है नहीं. और 0 के बाद क्या हो सकता है जो कि इतनी बड़ी पावर का आंसर हो? भैया कोई कॉस के एंगल में, या तो ये 2 की पावर पूरा सॉल्व होकर 1/10 मिलता, सोचो थोड़ा, तो 2 होता, तो 1/10 कहाँ से आ जाएगा? तो आंसर हुआ बी बॉम्बे 1. ये हुई टेक्निक, इसे बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक. अब इसे अगर मैं मेथड से करूं तो होल पावर 10 बाहर लिख सकता हूं. अब इन दोनों में चाहूं तो प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, कौन सी? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. बोलो क्या हो जाएगा? अभी पावर बाद में लिखूंगा, 4 यस और नो. अब मैं चाहूं तो 4 कॉस का थीटा माइनस 1 मिल गया ये. अब मुझे बताइए 2 कॉस का थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस का थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस 2 थीटा. पता है ये फॉर्मूला कि नहीं है? ठीक है, तो अगर मैं इसको 4 की जगह 2 इंटू 2 लिख दूँ, एक एक फैक्टर समझना इनको जो बना रहे, इस फैक्टर का रिजल्ट लिखूँगा यहाँ. तो बोलो 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1, तो क्या बचा? 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1. तो इस पूरे का, इन दो का रिजल्ट क्या आया? 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1, जो इनके साथ मल्टीप्लाई होगा आपस में. तो फिर बोलो कितना? 4 कॉस स्क्वायर माइनस 1, जिसको हम फिर से इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या मिलेगा? 2 कॉस 4 थीटा प्लस, अब इसको इसके साथ करो, 4 कॉस स्क्वायर माइनस 1. अब थीटा की जगह रख दिया पाई बाई 8, पाई बाई 8 पाई बाई 2, ये 0, तो बचा क्या? और पूरे सब में पावर कितनी चल रही थी अब तक? तो आंसर इज 1. अब मैंने स्टेप भी जब लिखी, अब सोचना थोड़ा, जब मैंने स्टेप भी लिखी तो क्या करा मैंने, स्टेप को भी बहुत कम लिखा. हम स्टेप में भी कम से कम, इसमें मैं बता दूं, 10 स्टेप लगा देगा एक बच्चा करने में. मैंने स्टेप में भी एक के फैक्टर बना के एक के रिजल्ट से आगे के कंक्लूजन दिए. ये होता है पेपर का तरीका सॉल्व करने का. वो जहाँ सीख लिया आपने, आपका कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप ना कर पाओ, 100% करोगे. आप क्लासरूम कोर्स देख लो, आप वीडियो कोर्स जिसके पास है, सब कुछ इसी ढंग से पढ़ाया हुआ है, तो बस इसको पढ़ लो अच्छे से, हो गया काम. 1, हाँ 1 कैसे बताया? फिर लॉजिक समझो कि भैया सबकी पावर 10 है और किसी भी नंबर की पावर 10 हो तो 1 की पावर 10 का मतलब 1 होता है, बाकी किसी भी नंबर की पावर 10 हो तो वो वैल्यू बहुत ज़्यादा या बहुत कम होगी. अगर 2 होता तो 2 की पावर 10 1024 होता, 1/√2 होता तो भी 2 नहीं होता, 4 नहीं होता, तो ये वैल्यू बहुत छोटी है.
जीरो हो नहीं रहा था आंसर, तो एक ही ऑप्शन देने को बचा मेरे पास। क्लियर है बात? एक ही ऑप्शन बचा देने को हमारे पास, और बाकी मेथड से मैंने आपको करवाई दिया। अच्छा, एक संभावना ये थी कि कहीं जीरो ना हो जाए। जीरो जब हो सकता है, जब ये फैक्टर जीरो कोई एक, तो मैंने सबसे बड़े फैक्टर में पाई बाई एट रखा तो भी मुझे जीरो नहीं मिला, माइनस वन मिला, बाकी में तो कहीं हो ही नहीं रहता, तो जीरो के रिजेक्ट हो ही गए, ये दो होने के चांस नहीं थे, बचा क्या वन। पर ये समझ में आई स्टेप जो मैंने करी? ये नहीं आई तो फिर से लिख के समझा सकता हूं, लिख के दोबारा समझाने दिक्कत नहीं, पर पहले कैसे करना पेपर में ये सीखना जरूरी, क्योंकि मैं अगर ऐसा नहीं करूंगा तो आप पेपर में ऐसा नहीं करेंगे, तो पहले वो सीखो, देन उसके बाद फिर आप डिसाइड करो क्या करना। ये क्लियर है बात? अब जिस क्वेश्चन में, ये देखो मैंने इसलिए आपको बताया, इस क्वेश्चन में नॉर्मली कोई भी 5-6 मिनट ले सकता था, आपने 5-10 सेकंड में करा, क्योंकि कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग हो, बस ये एक चीज आ गई, सब कुछ आ गया। अब देखो एक और चीज समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अभी हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो पहले राउंड में आपको करवाना सिखा रहा हूं, और दूसरे राउंड में भी सब बनेंगे, पेपर पूरा 120 वाला होता है। 44 देखें हम जरा, इफ कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा, देखते ही आंसर दे सकते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है, जीरो लेस देन अल्फा लेस देन बीटा लेस देन पाई, यानी अल्फा बीटा जीरो से पाई में, अल्फा स्मॉल है बीटा ग्रेटर है, आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 3 = 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec अल्फा इंटू sec, कितना सड़ा क्वेश्चन दिया है। अब आप सोचो कि ये चीजें हैं जिन पे मैं आपको काम करवाना चाहता हूं, राइट? ये चीजें हैं जिन पे मुझे काम करवाना है। अब मुझे बताओ कि इसमें सिंपल सा लॉजिक है, एक्स स्क्वायर एक्चुअल में 3/4 दिया, मैं आपको डायरेक्ट टेक्निक बताता हूं, यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3/√3/2, एक कॉस अल्फा हो गया √3/2, एक अल्फा से बड़ा बीटा है -√3/2, यस और नो, राइट? अब मैं ये सब नहीं करता, मेरे को जैसे ही क्वेश्चन दिया मुझे पता था अल्फा बीटा लेस देन पाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा। एक बात, सेक का प्रोडक्ट ग्रेटर देन वन होता है एक ही में, दिस इज द राइट आंसर, ना ये ना ये ना ये, क्यों? ये दोनों क्या है? लेस देन वन सेक है ना, सेक की वैल्यू या तो ग्रेटर देन वन होती है माइनस वन से, यस और नो, ठीक? बात समझ में आ रही है पहले? ठीक, जीरो डिग्री पे कॉस या सेक क्या होते हैं? सेक, ठीक, जीरो डिग्री पे वन, जीरो ले नहीं सकते, पाई ले नहीं सकते, तो इसका मतलब वन से बड़ी वैल्यू होगी या माइनस वन से छोटी, तो वन से बड़ी वैल्यू का प्रोडक्ट वन से बड़ा आएगा कि नहीं? एक ही प्रोडक्ट है वन से बड़ा, माइनस भूल जाओ, एक ही वन से बड़ा पहले, और क्योंकि दो एंगल में ये कंडीशन मेंशन कर दी थी, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलना है, तो आंसर नेगेटिव आया, ये 3/4 छोटा हो गया वन से, ये पॉजिटिव है इसलिए नहीं है करेक्ट। बाकी आप, ये कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था कि इसमें ये लगाना जरूरी है, ये sec अल्फा हो गया, ये sec बीटा हो गया, क्यों? मल्टीप्लाई किया 4/3 आ गया, बट ये छोटी छोटी चीजें मैं चाहता हूं वो ऑब्जर्वेशन में आए, ये इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी क्योंकि सिंपल था, बट ये ऑब्जर्वेशन आएंगे तो आपकी पेपर में कमांडिंग बढ़ेगी। बोला है ना अल्फा लेस देन बीटा, एक वैल्यू √3/2 है, एक -√3/2 है, तो √3/2 कहां होगा और √-3/2 कहां होगा? बस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बड़ा होगा कि सेकंड का? दोनों सेकंड में हो तो दोनों को पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए था, दो रूट्स आए हैं तो दो रूट्स का मतलब क्या हुआ? एक पॉजिटिव रूट एक नेगेटिव रूट, जीरो से पाई तक में कब कॉस पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है? वैसे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां बीटा लिख देते हैं अल्फा लिख देते, क्यों? प्रोडक्ट पूछा है, पर फिर भी सही पता होना चाहिए कि अल्फा यही क्यों है, क्योंकि मेंशन है अल्फा और लेस देन बीटा, तो अल्फा का यहां पॉजिटिव होना जरूरी है, बीटा का यहां नेगेटिव होना जरूरी है।
ये क्लियर है बात। चलो अब आओ 45 पे। अब देखो 45 क्वेश्चन क्या है समझिएगा और इस पे कंसेप्ट बनाइएगा कि 45 क्वेश्चन में करना क्या है। 45 क्वेश्चन में कंसीडर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स, कंसीडर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एट, ए वन एट, बी माइनस फोर, सी वन बाय सिक्स एंड डी इज माइनस वन बाय फोर। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग वैल्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स इज आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। टेन इनवर्स टू एक्स प्लस टेन इनवर्स थ्री एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर। सुनो पहले, हाँ टेन थ्री एक्स है ये, नहीं नहीं टेन इनवर्स ही दोनों, पाई बाई फोर, ओनली थ्री ओनली वन ऐसे। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको जो चीज़ें मैंने अब इनवर्स की मेरी थ्योरी जो पढ़ाई वो याद करो। ये चीज़ याद रखो कि जो चीज़ें मैंने आपको क्लास में बताई थी, जो चीजें कोर्स में, वो पहले याद करो, रजिस्टर के लिखिए। आपको देखो एक एक सेकंड में मैंने कैसे, सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स की, देखो मैंने आपको बताया साइन इनवर्स एक्स का क्वेश्चन हो तो एक्स जो है वो माइनस वन से प्लस वन होगा और रेंज ये डोमेन है और यही रिवाइज करो रेंज है, मतलब साइन इनवर्स एक्स का रिजल्ट इसके बीच में रहेगा, इनपुट ये रहेगा, यस और नो? यही के याद करो, कॉस इनवर्स एक्स की जब बात आएगी तो इनपुट यही रहेगा, आउटपुट ये जीरो से पाई रहेगा। ठीक, टेन इनवर्स एक्स का क्वेश्चन होगा तो आउट इनपुट रहेगा माइनस इनफिनिटी टू प्लस, पर आउटपुट, अच्छा एक चीज याद रखिए, टेन इनवर्स नेगेटिव नेगेटिव होगा। अब अगर मैं नेगेटिव रखूं तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा तो पाई बाई फोर आएगा, नहीं कहानी खत्म। ठीक, टेन इनवर्स वन जो होता है वो होता है पाई बाई फोर, तो कभी भी यहां पर वन से बड़ी वैल्यू रख दो आप तो पाई बाई फोर से बड़ा आंसर आएगा, राइट, पाई बाई फोर से बड़ा आंसर आएगा। तो अगर मैं एट रख दूं तो यही पाई बाई फोर से बड़ा हो गया, कहानी खत्म, ये भी रिजेक्ट, देन दिस इज द राइट आंसर वन बाय सिक्स। इज दैट क्लियर? ये हुई क्वेश्चन की टेक्निक्स, ये सॉल्विंग टेक्निक जिसे मैं वर्ड बोल रहा हूँ वो चीज को समझो आप, है ना? तो ये हुई क्वेश्चन सॉल्विंग। अब अगर हम इसमें मान लो वैल्यू रख, पहले तो मुझे देख के समझ में आ गया दो ऑप्शन तो मैं कंसिडर ही नहीं करता, तीसरा मैंने पहला देख, मतलब ये आई ऑब्जर्वेशन से आने वाले क्वेश्चन है, एक एक दो दो सेकंड में जो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ ना कि आप क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम देखना मेरा, ये जो बीच में आपको रिवाइज करवाया है जो बोल रहा हूँ इसको हटा दो, एक घंटे में हम 60-70 प्लस करके निकलेंगे और बिल्कुल सही, एक भी गलत नहीं होने दूंगा मैं, नॉट एनी सिंगल क्वेश्चन, कंसेप्चुअली करो क्या पढ़ा है क्या रटा है, वो पुराने सब कंसेप्ट भूल जाओ, जो नए तरीके से मैंने पढ़ा है उसको याद करो। तो अब समझ में आ गई बात? अब अपन क्या होता है कि ये तीनों ही ऑप्शन रिजेक्ट, हम अब क्यों वैल्यू पुट कर रहे हैं, बाकी अभी समझा रहा हूं, क्या वैल्यू पुट करते तो आप ये लिखते 1/3 प्लस 1/2 फिर tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला लगाते, है ना, जो कि होता है tan इनवर्स x, अभी रिवाइज भी करना आपको इसी के साथ साथ, पर ये सब चीजें आपको समझनी है कि 1/3 प्लस 1/2 अपॉन 1-1/3 इंटू 1/2 ये आ गया tan इनवर्स, सॉल्व हो गया 1, दिस इज पाई बाई 4, पर इतना टाइम वेस्ट कर डाला। जो क्वेश्चन हम केवल अपनी आई ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम कई बार बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, क्योंकि टेन इनवर्स में नेगेटिव होता तो एंगल का आंसर भी क्या होता, नेगेटिव ही होता, यहाँ कुछ भी लिखा होता तो कोई ना कोई नेगेटिव ही आंसर मिल रहा होता, मान लो -1/2, ये क्या दिया है, दोनों जगह पे रखना है, कहीं स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर होता तो नेगेटिव, एक बार सोच भी लेते नेगेटिव का स्क्वायर प्लस, समझ में आया? तो आप सोचो कि आपको दिख रहा है कि तीन आंसर हो ही नहीं सकते, खत्म। मैं ऑप्शन से जब भी करवाता हूँ ना, मैं कभी ऑप्शन में राइट नहीं ढूंढता, मेरा बहुत क्लियर कंसेप्ट है कि ऑप्शन मतलब तीन रॉन्ग ढूंढना, मेथड मतलब सीधा राइट आंसर आना, मेथड से राइट आएगा और ऑप्शन से तीन रॉन्ग ढूंढना, ये कंसेप्ट बना लिया आपके कैसे नहीं होते क्वेश्चन सॉल्व, आपका तरीका बदलना आपको। अब जरा आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 46, ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी पहले राउंड में ही होगा और पहले में ही करना है, राइट? अब 46 क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी इज टू, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज टू, ठीक है, जीपी का सेकेंड टर्म कितना बोला है, टू बोला है, एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज एट,
देन द जीपीएस, भैया क्यों ना हम इसको ऑप्शन सी कर डालें, भाई ऑप्शन सी कर डालें। अब ऑप्शन रिजेक्ट करना सिखाता हूं। ए टू वन बाय टू, टेन टू टू बाय फाइव, फोर टू वन वन बाय टू, डी डेली सिक्स थ्री। अब मैं भैया एडवेड बाद में करूंगा, फॉर्मूला बाद में लगाऊंगा, ऑप्शन भी से करना तो एक सेकंड में ऑप्शन से होगा, कैसे होगा बताओ। एट प्लस टू टेन, रिजेक्ट। टोटल सम एट होना चाहिए, ये दो का ही सम हो गया टेन, तो बाकी का दो। टेन प्लस टू रिजेक्ट, सिक्स प्लस थ्री नाइन, रिजेक्ट। दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन से करने का भी तो तरीका पता हो, कि ऑप्शन से जा रहे हो तो ऑप्शन में क्या चीज देखना है। अब आप क्या करोगे, ऑप्शन यहां से स्टार्ट करोगे, एक ए अपॉन वन माइनस आर। जब भैया पहले ही टेन प्लस, क्योंकि आप समझ रहे हो बात को, बात के टर्म छोटे हो रहे हैं नो डाउट, पर पहले दो टर्म का ही जब समेशन टेन हो गया तो क्यों कंसिडर करूंगा, या ट्वेल्व हो गया या नाइन हो गया। तो ये क्वेश्चन को देख के एंड करने का आपको अप्रोच आना चाहिए। अब ये क्या हो गया, समझ में आ गई बात। अब आपने इसको अब करते मान लो मेथड से, तो दिस अपॉन वन माइनस दिस, तो फोर अपॉन वन बाय टू, दिस इज एट। पर मैं कहूंगा ये भी टाइम मुझे अपना खराब नहीं करना है, मुझे इस टाइम को भी यूटिलाइज करना आना चाहिए। अगर ये टाइम मैंने यूज कर लिया तो मेरे अटेम्प्ट बढ़ जाएंगे, और अभी मैं आपको फिर देखो अब आपको कैसे नहीं निकलेंगे आपके 50-60। आप पहले इन क्वेश्चंस को कैच करो, इनको पकड़ो, अभी जब पेपर दोगे पहले ये चीज ऑब्जर्व करना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बोला है, अब इसमें कभी कभी उलझ सकते हो। बोला ए बी सी आर इन ए पी और जी पी और लिखा हुआ है, या तो ए पी में या, अब इसको उलझ सकते हो, लीव दिस क्वेश्चन। जहां पढ़ के लगे टफ नहीं है, लगे मैं कह रहा हूं लगे, अभी मैं आपके एंड से जाके सोच रहा हूं, मैं अभी इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे पढ़ जाऊंगा। मेरा पहला टारगेट क्या होना चाहिए, 60+ 50% पेपर को राइट करना, भले ही दो घंटे में क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि 60+ पे भी मैं कट ऑफ को क्रॉस कर रहा हूं, भले ही क्यों ना, पर मैं बता रहा हूं दो घंटे नहीं लगेंगे, एक घंटे लगेंगे, पर हो भी तो भी चलेगा। अब देखो जरा, वॉट इज द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट नंबर। अब सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट नंबर बोला है, अब इसमें उलझने की जगह इसको, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, बट वो फॉर्मूले में कई बार उलझ जाते हैं, बाद में देखेंगे। 49 पे आओ, द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इफ आर इक्वल, ठीक है, देन डी वन एंड डी टू आर डिस्क्रीमेंट, तो आपको डी वन बाय डी टू बताना है। अब बोला क्या है, द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके इक्वेशन के रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस अल्फा बाय बीटा, बोलो इसके और इसके किसके, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसके रूट्स गामा डेल्टा, ये इनका जो रेशियो है वो क्या है, सेम है, तो आपको डी वन बाय डी टू बताना है, आपको डी वन बाय डी टू बताना है। अब इसमें हो सकता है कहीं आप उलझ ना जाओ, तो बेटर है कि इसको बाद में सोच लेंगे, ठीक है, जबकि उलझोगे नहीं। पर मैंने क्या बोला, मैं अभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, अभी सेकंड राउंड में मैं आऊंगा। अब 50 पे आ जाओ, ये पहले राउंड में हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पेपर स्टार्ट करते समय बोला था कि मैं पहले राउंड में वो क्वेश्चन कर रहा हूँ जो ट्रिग्नोमेट्री हुआ, जैसे आपने बोला ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री ऑप्शन हो जाएगा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हुआ, प्रोबेबिलिटी हुई, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हुआ, कोऑर्डिनेट हुआ, और साथ में कोई सिंपल मिलेंगे तो करते चलेंगे। अभी तक मैं कर रहा हूँ 50 नंबर का, आप देखो 30 के ऊपर कर लिए हमने, 30 के ऊपर कर लिए ना, 30-35 करीब हो गए, 50 में 30-35 मतलब वही रेशो, कि 60 होते होते 40 हो जाएगा, यानी आप 120 तक जाते जाते 80 कर लोगे। मैं तो 60 की बात कर रहा था, आप 80 कर गए, 80 कर गए, हो गया काम। बस वो एक चीज बिल्ड करना है, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब देखो जैसे 50 नंबर का देखें, तो 50 क्या है, ए इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ थीटा, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं बताता हूँ। 3/4 से बोलो 1, 13/16 से बोलो 1, 3/4 से बोलो, ये ऑप्शन लिखना जरूरी था, एंगल वेंगल पुट मत कर देना, पहले कभी भी मैक्सिमम मिनिमम बताना हो तो हर एक का, जैसे साइन और कॉस दिया हो तो या तो दोनों को ही साइन में कन्वर्ट कर लो या दोनों को ही कॉस में कन्वर्ट कर लो। याद रखिए साइन थीटा की रेंज भी -1 से +1 होती है, कॉस थीटा की भी रेंज -1 से +1 होती है, और थीटा ही नहीं ax प्लस बी होता तो भी यही होती है।
रेंज कब चेंज होती है, मान लो यहाँ पी लगा दूँ तो रेंज हो जाएगी माइनस पी से प्लस पी, ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी। पर यही बेटा स्क्वायर हो जाए तो जीरो से वन, या सुन लो अब मेरे लिए ज़्यादा आसान है, इसको मैं लिखूँ वन माइनस कॉस का थीटा प्लस कॉस पावर फोर थीटा, वन माइनस कॉस का थीटा कॉमन। अभी ये स्टेप मैंने अननेसरी लिखी बिना बात के, आपको समझाने चक्कर में नहीं लिखनी थी, वन माइनस कॉस का थीटा, तो ये ऐसा बन गया वन माइनस कॉस का थीटा इंटू, इसको मैं वन माइनस वन बाय फोर साइन स्क्वायर टू थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं? कैसे, ये स्टेप बचानी है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू फोर का मल्टीप्लाई फोर का डिवाइड करो तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब इसकी रेंज पता है आपको कितनी, जीरो से वन। जब ठीक जीरो मिलेगा तो कितना मिलेगा, और जब वन रखोगे तो कितना मिलेगा, वन रखोगे तो कितना मिलेगा, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है थ्री बाय फोर से वन। इज दैट क्लियर, कि आप पहले उसे एक फॉर्म में बनाओ चीजों को। अब की कितना बेस है, बेस है ना, आप जेई के पेपर में जाओगे आगे तक जाना है, कहां पे किस लेवल पे पेपर दे रहा हो उसके ऊपर डिपेंड करेंगी चीजें। नॉट क्लियर, वन माइनस कॉस का थीटा, कॉस का थीटा कॉमन, देन वन माइनस कॉस का, वन माइनस कॉस का थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज राइट, कॉस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, यस और नो? देन मल्टीप्लाई बाय टू एंड टू, दिस इज साइन टू थीटा बाय टू का होल स्क्वायर, यस और नो? देन राइट डाउन वन बाय फोर साइन स्क्वायर टू थीटा एंड वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा लाई बिटवीन जीरो एंड वन, वेन साइन टू थीटा जीरो देन रिजल्ट इज वन, साइन टू थीटा इज वन देन रिजल्ट इज वन माइनस वन बाय फोर थ्री बाय फोर। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए 51। आप देखेंगे कि मैं आपसे श्योर हूं कि 120 क्वेश्चन पहुंचते पहुंचते अब हम 80 को क्रॉस कर जाएंगे, फिर सेकेंड राउंड में आएंगे, फिर आराम से 30 कर लेंगे, 5-10 क्वेश्चन बच जाएंगे, इसके बाद आपको टाइम मिल जाएगा एग्जाम में अगर आपने राइट टेक्निक से किया, आप 15-20 मिनट खाली बैठ सकते हो पेपर में, बिल्कुल पक्की बात है। हाँ, द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, अब इक्वेशन आप अब सोचो थोड़ी देर के लिए कि अगर ये क्वेश्चन आपको ऑब्जर्वेशन में नहीं आया आपकी कितना टाइम वेस्ट करो आप, क्या सीधा सीधा एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, यानी आपसे सीधा फॉर्मूला पूछा, आपने मुझे उस दिन बताया था फॉर्मूला। अब ये चीजें अगर हमारे हमारे ऑब्जर्वेशन में आना जरूरी है तो ऑब्जर्वेशन में पता कब आती है, जबकि मैंने अभी कुछ क्वेश्चन स्केप किए ना तब नहीं थे, पर उनको स्केप करने से मेरे ऑब्जर्वेशन में आ रही, क्यों, क्योंकि मेरे पास टाइम बच गया। मैं उन क्वेश्चन में टाइम ज्यादा दे देता तो मैं इन ऑब्जर्वेशन, फिर बाद में हम जब पेपर देके निकलते हैं हमें आता रहे यार ये इतने सड़े क्वेश्चन छूट गए और हम कहाँ उलझे थे। तो ऑब्जर्वेशन में जब ही आएगा, जबकि आप ऑब्जर्वेशन के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करोगे, खुद को इस बात के लिए कि नहीं छोड़ना है, हाइट एंड स्ट्रेंथ का छोड़ना है, तब नहीं हो तो भी छोड़ना है, क्यों, क्योंकि डायग्राम बना के सॉल्व करूंगा एक मिनट तो लग गया ना, मैं पहले 10 सेकंड वाले क्वेश्चन को सोचूंगा। ये चीज आप रखो, एपी जीपी एचपी तीनों वो क्वेश्चन मुझे देख के समझ में आ रहा, मैं तो सारे सॉल्व कर सकता हूं, पर मैं क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि इन क्वेश्चन में मुझे एक मिनट के ऊपर भी लग सकता था। तो पहले वो सारे क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन में आना चाहिए जो कि सिंपल है, फिर देखो आपको कैसे इसको नहीं बनता। अब देखो जैसे ये समझ में आ गया आपको, ऑप्शन से हो गया। अब अगला द सेकंड डिग्री इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, एच का टर्म है नहीं और इसका मतलब हुआ एच स्क्वायर क्या हुआ, लेस देन ए बी हुआ, एच स्क्वायर लेस देन ए बी कब होता है, एलिस में, बट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो कोई ऑप्शन नहीं है, आप पॉइंट बोला है, पॉइंट नहीं हो सकता, पॉइंट मतलब होता है सर्कल, उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशियंट सेम होना चाहिए, तो ए को छोड़ दो, एन एलिप्स, एलिप्स की पॉसिबिलिटी है, एन एलिप्स सेंसिटिविटी वो दो भी दिया और नन ऑफ द अबव दिया है, तो अब आपको इसमें सेंट्रिसिटी भी निकालनी है और सेमी मेजर एक्सेस भी और डिटर्मिनेंट भी। अब इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, टफ नहीं है, आपको पता है कि जब सेकंड डिग्री पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हो तो हम ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ रखते हैं, अगर ये मान लो एलिप्स होती तो इसकी परफेक्ट स्क्वायरिंग करके हम इसको परफेक्ट बनाते, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स को अलग लिखते, फोर कॉमन लेके वाई स्क्वायर माइनस वाई को अलग लिखते, प्लस टू इक्वल टू जीरो पूरा सॉल्व करते, देन टाइम लग जाता।
मैं फिर उन क्वेश्चन को कैसे करता जो कि हमारे ऑब्जर्वेशन में आना इम्पॉर्टेंट थे, बाद में आएंगे इस क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है? ये मैंने इसलिए पढ़ के बताया कि ऐसी चीज़ों को आपको समझना, सॉल्व करना आता सब आता देन तो भी आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करूं, 53, देखिए 53 क्या है, द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, टू लाइन्स का एंगल पूछा है, और एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो, एल डैश एक्स प्लस एम डैश वाई प्लस एन डैश इक्वल टू जीरो, तो थीटा टेन थीटा होता है, वो इन्वर्स बाद में लिख दोगे, यस और नो? एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। सबसे पहले ए और डी ऑप्शन रिजेक्ट, बताइए क्यों? डिनोमिनेटर में माइनस है, रिजेक्ट। और डिनोमिनेटर में याद हो आपको तो एल एल डैश ए डैश आता ना, प्लस एम एम डैश कितने में है? प्लस के दोनों में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर इंटरचेंज होना चाहिए और माइनस होना चाहिए, तो सी इज द राइट आंसर। मतलब मुझे तो सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, सोचो, जबकि आप करते हैं तो इसका स्लोप लिखते हैं आप कितना, एम वन लिख लो कैपिटल, क्या लिखते हैं, माइनस एल अपॉन एम, इसका लिखते तो माइनस एल डैश अपॉन और फिर स्मॉल एम, और फिर आप एम डैश पे टेन थीटा जाते हैं, एम वन माइनस एम टू अपॉन रख के निकाल लेते, तो ऊपर माइनस आना चाहिए नीचे प्लस आना चाहिए, कितना ईजी हो गया, एक ही ऑप्शन दिख रहा, मतलब करना ही नहीं है आपको क्वेश्चन को। फिर आ जाओ नेक्स्ट 54, सेकेंड डिग्री का मतलब, सेकेंड डिग्री का मतलब है उससे, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री से, इससे है, क्लियर है बात, इससे। अब 54 पे अगर हम आए तो 54 को अगर हम देखें तो मुझे एक चीज समझ में आती है। 54 में दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, दो लाइनें अगर पैरेलल हो तो सीधा सीधा क्या होता है, C1 माइनस C2 अपॉन एक्स वाई के कोफिशिएंट, ये करेक्ट है, क्यों ये करेक्ट है? सेकंड आए, सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट है ना, C1 माइनस C2 अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। थर्ड पर आए, थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि एक्स माइनस C1 और एक्स माइनस C2, तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब सोचो मैं थोड़ी देर के लिए, वो जो प्यारा स्ट्रेट लाइन का टफ नहीं था क्वेश्चन, पर उसको कर रहा था तो मेरे ऑब्जर्वेशन में कहीं ये थ्री, क्योंकि सेट अलग अलग होते, कहीं ये थ्री छूट गए होते, तो एक क्वेश्चन मैंने करा और कितने का नुकसान कर दिया, थ्री का, क्योंकि जितनी देर में वो एक क्वेश्चन हो रहा था उतनी देर में थ्री क्वेश्चन हो रहे थे। ये एक चीज है जिससे आपके अटेम्प्ट बढ़ेंगे, जिस पर आपको ध्यान देना है, राइट। और अब ये क्लियर है बात, नेक्स्ट बात करते हैं जरा 53 पे, वो सॉरी 55 पे। 55 क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या है भैया, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, और दूसरी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 26 है, एंड पैरेलल टू द लाइन, और इस लाइन के पैरेलल। अब सुनो पहले बात, मैं इस क्वेश्चन को मेथड से करने के पहले ऑप्शन से करने की कोशिश करूंगा, एक बात। दूसरी बात ये कि ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दी थी, पर आप देखो मैंने क्या लिखा है, बताओ मैंने क्या लिखा है, मैंने एलसीएम के साथ ही लिखा है, यानी हर एक छोटी स्टेप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक बार बताओ जो ऑप्शन होगा उसका एक आंसर, ये बात पक्की है ना, उसका स्लोप तो -4/5 होगा, क्यों? अब पहले ऑप्शन में देखो -4/5 कितने का स्लोप है, ए का है, ए का है क्योंकि 20 है, बी का, बी रिजेक्ट, सी का है, डी का भी है, इसका मतलब 3 ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना चाहिए। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई से सबसे इजी होता है, इसको इधर लाए तो x अपॉन -12 + 18, y अपॉन -12 + 18, 1 अपॉन 9 - 4, क्यों? तो x इक्वल टू 6/5, y इक्वल टू 6/5, सही है ये 6/5 6/5, कोई कन्फ्यूजन इसमें? 18 + 12 30/5, यस सही है। अब 6/5 और 6/5 देखो किसको, कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है,
ए में रखा, फाइव तो एलसीएम आना ही है क्यों बेटा, तो ए में ए को कर रहा है, करेक्ट आंसर इज ए। तो आप मुझे यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों निकालना पड़ा, लॉजिक समझ में आ गया, क्योंकि मेरा वो काम नहीं आ रहा था। अब देखो वहां पे मुझे तीन ऑप्शन मिल रहे थे, मैंने कोई चांस नहीं लिया, जब तक तीन रिजेक्ट नहीं होंगे मैं मेथड पे ही जाऊंगा, फिर जहां रिजेक्ट हो रहा है वहां पे मैंने लॉजिक से ही बता दिया बिना पेन चलाए, वहां नहीं हो रहा था आ गया मैं, क्योंकि मुझे एक बात और याद रखनी है कि राइट भी करने है और कम से कम समय में करने है, तो राइट पर अगर टाइम बढ़ भी रहा राइट करने में कोई बात नहीं, गलत नहीं करना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया आपको। अब देखिए 56 आ गया 3D का, मैं आपको एक सजेशन दूंगा 3D और 2D और 3D और वेक्टर के पहले 2D पे आना है और कैलकुलस पे आना है, बट इनके भी जो क्वेश्चन सिंपल होंगे वो अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज मूव कर जाएंगे, पढ़ने में भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब जैसे 56 देखें अगर हम, क्योंकि मैंने जिस ऑर्डर में जिस तरीके से पढ़ा है, अब जैसे 2, 3, 4 है, ये क्या दिया है 3x माइनस 6y प्लस 2z प्लस 11 इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है, जो स्ट्रेट लाइन में होता है वही फार्मूला होता है, सीधा सीधा लगा दूं मैं 6 माइनस 18 प्लस 8 प्लस 11 अपॉन 9 प्लस 36 प्लस 4, ये 49, तो इसका मतलब 7 क्यों, और अब ऊपर नीचे 7 आ रहा है तो इसका मतलब ऊपर इसको सॉल्व करो, ये 10 बचा 16 प्लस अच्छा ये माइनस का है ना, तो ये कितना हो गया बेटा, ये भी 7 आया, 7/7 कितना 1 यूनिट राइट। अब अगला जो क्वेश्चन है 57 वो भी 3D का है, पढ़ने में मुझे बड़ा लग रहा, आगे बढ़ूंगा मैं, मेरा बिल्कुल क्लियर है कि मुझे पहले वो क्वेश्चन निचोड़ के निकाल के लाना जो कि मैं पहले राउंड में कर सकता हूँ, स्कोर एकदम से बढ़ेगा। फिर इसके बाद आप 58 पे आ जाओ, गिवन बाय लाइंस वगैरह दिए छोड़ दो, ये भी छोड़ दो 59, 61 पे आओ 61, अब देखो मैंने आपको 61 पे आ गया 40 प्लस क्वेश्चन करवा दिए, उन 20 क्वेश्चन को छोड़ा जो कि अपन बाद में आराम से करेंगे, आपका खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अब आप 61 पे जब आओगे तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है, क्यों भाई ये तो पता है आपको। अब मैंने आपको इसके जो शॉर्ट टेक बताई वो यूज करो, x1 माइनस x2, x2 माइनस x3, 1 अपॉन x1 माइनस 1 अपॉन x2, 1 अपॉन x2 माइनस 1 अपॉन, अब आपकी टेक्निक्स आप लोग यूज नहीं करते, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो ये x2 माइनस x1 आएगा, इसका लूं तो x3 माइनस x2 आएगा, तो भैया मैं x1 माइनस x2 और x2 माइनस x3 बाहर निकाल सकता हूं, यहां क्या बचा 1, यहां माइनस 1 अपॉन x1 x2 इनका एलसीएम, यहां बोलो क्या बचा 1, और यहां अब इसको सॉल्व करना कौन सा मुसीबत का काम, समझ में आ रहा लॉजिक, यही तो लॉजिक नहीं करते हम डेवलप, x2 x3 जो टेक्निक्स बताई हैं। अब देखो माइनस प्लस तो एक तरह से मिल गया आपको 1 अपॉन x1 x2 माइनस 1 अपॉन x2, क्यों भाई, अब इसके एलसीएम से ये आ गया x1 माइनस x2 x2 माइनस और ये जाएगा x3 माइनस x1 अपॉन x1 x2 x3, 1/2 हमेशा आता है वो मत भूल जाना, तो करेक्ट आंसर हुआ एक्स बी, देखो डी ढहली। अब एक और अच्छी बात बोली आपने, अब मैंने ये ऑब्जर्वेशन दिया होता तो मैं भी वही करता कि जिसके अपॉन में 2 होता वही होता, बिल्कुल सही है, वेरी वेरी राइट। अब देखो कभी कभी नहीं आता तो अब वो जिसके अपॉन में 2 हो वो ही होगा, पर और बाई चांस इसके एक ही ऑप्शन में अपॉन में 2 था, करेक्ट आंसर हो गया, पर मेथड से करते तो ये होता। तो ये क्लियर हुआ। अब देखो इसमें मैंने ऑप्शन देखे होते तो मैं आपको पहले ही बोलता नहीं दिए ध्यान से, एकदम से एरिया निकालने लगा, तो आप पर हर जगह नजर रखो, समझो बात, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपका टाइम भी बचाएंगी, जो आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी बढ़वाएंगी, वो सब काम होगा जो आप चाहते हो। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो बोला है इफ द वाई एक्सिस टचेज द सर्कल, इफ द वाई एक्सिस टचेज द सर्कल देन द नॉर्मल एट दिस पॉइंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट द पॉइंट। अब एक बार बताओ ये जो सर्कल दिया है
इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब नॉर्मल क्या बोला है, इफ द वाई एक्सिस टचेस द सर्कल, वाई एक्सिस सर्कल को टच कर रहा है, देन द नॉर्मल एट दिस पॉइंट। अब नॉर्मल एट दिस पॉइंट बोला है इंटरसेक्ट द सर्कल एट द पॉइंट, तो क्या होगा पॉइंट? नॉर्मल हमेशा कहां से पास होती है? नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होती है, यस और नो? तो आपको इसमें वाई एक्सिस ना भी देते तो सेंटर से पास होती है, इसका सेंटर क्या है? माइनस जी बाय टू माइनस एफ बाय टू। अब देखो इसमें ऑप्शन ये दिया, अब आप इसमें क्या मिस्टेक करोगे वो भी बता देता हूं। माइनस जी बाय टू माइनस एफ बाय टू आपकी मिस्टेक करने के लिए दिया, बी माइनस जी माइनस एफ बाय टू, सी दिया है माइनस जी बाय टू माइनस एफ, और डी दिया है माइनस जी माइनस एफ। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना मिस्टेक क्या होगी, ये ए मिस्टेक होगी जो आपने पढ़ी हुई कि नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होती, पर आपसे ये नहीं पूछा है कि नॉर्मल पासिंग थ्रू, बल्कि ये बोला है सुनिए क्वेश्चन को, इफ द वाई एक्सिस टचेज द सर्कल देन द नॉर्मल एट दिस पॉइंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट द पॉइंट। तो सर्कल को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे अगर इस पॉइंट से नॉर्मल ले, तो अगर मैंने इस पॉइंट से नॉर्मल ली होती तो एक तो पॉइंट ये हो गया, अगला पॉइंट ठीक ये मिलता, मिलता कि नहीं? अरे भाई सेंटर से जा रही है लाइन, एक पॉइंट ये तो एक पॉइंट यही होगा ना, सेंटर से जाएगी, तो मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है, इसको तो पता है। अगर मैं बोलूं इसके क्या है तो आप बोलोगे जीरो कॉमा माइनस एफ बाय टू, फिर इसके माइनस जी बाय टू कॉमा दिस, और इस पॉइंट के क्या होंगे? हाइट तो होती है पर ये आधा हुआ ना, तो यहां क्या होगा, क्या माइनस जी कॉमा दिस पॉइंट, देन दिस इज द राइट आंसर। नहीं समझे क्वेश्चन, फिर समझ लो, एक सर्कल है जो वाई एक्सिस को टच कर रहा है और इससे जो नॉर्मल जा रही है वो सर्कल को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ये पूछा है। तो इस पॉइंट से जाने वाली जो इक्वेशन होगी मुझे बताओ कहां से पास होगी? नॉर्मल इज ऑलवेज पासिंग थ्रू, तो सेंटर के बाद यहां जाएगी, तो एक तरह से डायमीटर बन जाएगी। तो आपको एक एंड का डायमीटर का कोऑर्डिनेट दिया, दूसरे का बताना है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझो बात को, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन अगर आप इसमें थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहे हो लिख दिस, पर ये लॉजिकली क्वेश्चन ये कि इस पॉइंट से पास हो रही है तो सर्कल को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमारे को दिमाग में रहता है कि सेंटर से पास होगी और ऑप्शन दे ही इसलिए दिया ए कि आप बोल जो कर दो ना रॉन्ग, वो राइट थोड़ी चाहते हैं करवाना, किसी भी एग्जाम में कॉम्पिटेटिव में वो बच्चों से ही नहीं चाहते कि राइट करो, क्या चाहते हैं वो? रॉन्ग करो, क्यों? क्योंकि रॉन्ग करोगे अपने आप आउट हो जाओगे। तो ये चीज समझ में आई? अच्छा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो बोले ही नहीं है, एक इस पॉइंट से जा रही है और एक इस इधर आ गई, वाई की लेंथ वही रहेगी हर बार, केवल एक्स चेंज होगा। चीज सुनिए, नॉर्मल इज ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, कहां से? मान लो कि ये सर्कल है और इस सर्कल पे यहां पे टेंजेंट है तो ये लाइन जाएगी सेंटर से हमेशा जाएगी, ये है तो ये जाएगी। अगर ये इस पॉइंट पे टच कर रही तो ये नॉर्मल कैसे हो सकती है? ये नॉर्मल नहीं हो सकती, एकमात्र यही हो सकती, क्योंकि सेंटर से पास होना नेसेसरी कंडीशन होता है नॉर्मल का, इसलिए यही होगी बेटा। इज दैट क्लियर? अगर पॉइंट कहीं और होता तो नॉर्मल अलग जगह से जाती, तो एक लॉजिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अब अगले पे आते हैं जरा, अब देखिए अगले क्वेश्चन में वेक्टर का है, बाद में देख लेंगे, क्वेश्चन टफ नहीं है, पर मैंने आपसे बोला मुझे सिंपल क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, अगर मैंने वो छोड़ दिए तो सब गड़बड़ होने वाली है। तो आप देखिए क्या होगा, पर 64 वेक्टर का होते हुए भी मैं पहले कर लूंगा, क्यों? मैंने बोला ना हम पकड़ के चल रहे हैं कि हमें ये टॉपिक करना है, पर बीच में जो सिंपल टॉपिक आ जाए, पढ़ाया तो पूरा है, पढ़ा 100% सिलेबस है, तो बीच में जो सिंपल आ जाए वो कर लो, तो पता भी नहीं चलेगा 80 क्वेश्चन करके आप देखना कितने कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे रॉन्ग होता, आपसे खुद से बोल रहा हूं। अब देखो ये 64 में क्या बोला है, आर वेक्टर का मतलब मैंने 10 बार बताया, ये तो आपके लिए लिख रहा हूं, आप मत लिखने लगना। आर डॉट
आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू, अब देखो आर का मतलब हुआ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आई प्लस जे प्लस के, ये लिखना ही नहीं था, सीधा सीधा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आई से आई का, जे से जेड का, के से के का मतलब है ना, पता है ना, डॉट आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के बोलो वन, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द ईच, ये भी हो जाएगा पहले राउंड में, इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। अब आपसे क्या बोला है, देखो मैंने बोला ना कि आपके दिमाग में है कि 3D वेक्टर बाद में करनी, पर 3D वेक्टर के जो सिंपल है वो क्यों बाद में करूंगा, वो तो करता चलूंगा, और सर्कल बनाते चलना है, जिन क्वेश्चन को छोड़ा है वो वापस आएंगे हम, और उस सर्कल में आपको दो चीजें लिखनी है, बताओ क्या, टू और थ्री, वन तो कर रहे हो आप जो कर रहे हो वन है, आप जो करोगे वो सेकेंड राउंड, और जो थोड़ा भी बड़ा लगे तो उसको थर्ड लिख दो, जिससे कि आपको ध्यान रहे, ओवरडाइकिंग साथ में करते चलो, भूल जाओगे नहीं तो, घड़ी बांधने की आदत डालो, मोबाइल पर टाइम देखने की गंदी आदत बंद कर दो, वहां पे मोबाइल नहीं रहेगा तो बिल्कुल घड़ी खरीद लो अभी से, और जब भी पेपर स्टार्ट हो उनकी घड़ी से टाइम मिलाओ, आपकी घड़ी आगे पीछे हो सकती है, वो तो अपने टाइम से स्टार्ट करेंगे, जो उनने स्टार्ट किया उससे ढाई घंटे मिला लो, तो जो उन्होंने जैसे स्टार्ट हो आप 5 मिनट बड़ी उस टाइम पे, जैसे मान लो स्टार्ट हुआ, और एक सेवा मान लो जैसे उनकी घड़ी में 10:05 हो रहा है और स्टार्ट हुआ, तो अपनी घड़ी में 10:10 कर लो, 5 मिनट आगे रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। घड़ी भी ले लेते हैं, कैलकुलेटर वाली घड़ी ले लेंगे, सिंपल घड़ी नहीं लेंगे, डिजिटल ले लेते होंगे, तो डिजिटल मत ले जाओ। देखिए अब अगला क्वेश्चन सुनो, 65 है, अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर 2i माइनस जे प्लस के एंड 3i माइनस 4j माइनस के, इससे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताना है, सीधा ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन ए को देखो, 1/√3 प्लस 1/√3 माइनस 1/, अगर मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करूं तो 0 आ रहा है, इसके साथ करूं 3/√3 माइनस 4 माइनस, नहीं है ये, नहीं है ये, क्यों, अरे इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना, 3/√3 माइनस 4/√3, अच्छा प्लस 1/√3, ये भी है, ए है, अब ए पे, पर मेरे को राइट नहीं ढूंढना है, बी पे आए, बी नहीं है, बी नहीं है, के है, सी भी नहीं है, और डी नहीं है, तो खत्म, ए पे कहानी खत्म हो गई, ये हो गया, वही मैं बोल रहा हूँ कि जो सिंपल आ जाए उनको साथ में करते चलो, बाकी आगे बढ़ते चलो। अब जरा आ जाओ 66 क्वेश्चन पे, 66 क्वेश्चन है क्या, अब देखिए 66 है, वेक्टर ए इक्वल टू 4 एंड ए माइनस बी इक्वल टू 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी। भैया जब भी ये क्वेश्चन आए इसका एक बिल्कुल ही फिक्स पैटर्न होता है कि ये जो दिया होता है ना, ये बार बार याद रखो, इसकी स्क्वायरिंग कर दिया करो, और किसी भी वेक्टर का ये क्वेश्चन वेक्टर का उसके मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल होता है, तो जैसे कभी भी आप इसको करते हो ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप तुरंत लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a डॉट b, और ये मॉड हो गया, ये दिया हुआ है 3 और 4, 5 है, बोलो 9 + 25 माइनस 2 a डॉट, इससे हमेशा a डॉट b की वैल्यू निकलती है, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछा, जो भी पूछा जाए, ये एक फिक्स पैटर्न है, ये देंगे तो ये पूछ सकते हैं, ये देंगे तो ये पूछ सकते हैं, मॉड ए मॉड भी दिया रहता है, कई बार सी भी दिया रहता है। अब आपको जैसे पूछा ए प्लस बी, तो पहले इसका स्क्वायर कर दें और फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इधर 5 का भी स्क्वायर करना है, 25, तो ये 0 आएगा, सॉरी ए डॉट बी, 2a.b इक्वल टू, या ए डॉट बी इक्वल टू बोल सकते हो 0, 2 भी लिखा तो चलेगा। अब इसका स्क्वायर किया तो उसका वाला पार्ट तो वैसे ही 0 हो गया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 25, पर इसका स्क्वायर रूट ले लो तो ये भी 5, वैसे भी अब ये सॉल्व नहीं करना था, a डॉट बी 0 आ गया ना, तो सॉल्व नहीं करना, याद रखिए a डॉट बी 0 मीन्स वैक्टर आर परपेंडिकुलर, तो मॉड a माइनस बी हमेशा मॉड a प्लस बी के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का 2 a डॉट बी वाला पोर्शन 0 होगा। ये रिवीजन भी हो गया, क्वेश्चन भी बन गया।
अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जरा क्या है। 68 है। व्हाट इज ए माइनस बी? 67 बाद में देखेंगे, थोड़ा सा भी लंबा दिखे बिल्कुल दिमाग में रख लो, हम बाद में ही जाएं। ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब वेक्टर में याद रखना है ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए। क्यों बेटा? बहुत ही केयरफुल होके करना होते हैं क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा, दो वेक्टर सेम हो तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। जैसे मैं मेंटली कर सकता हूँ, ए में ए का करा बी माइनस ए, क्यों बेटा? प्लस ए क्रॉस बी दिस इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। एज अ फॉर्मूला भी याद रख लो, पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें तक मिस्टेक कर डालते हैं हम, और क्या बोले। तो ये चीजें आपको समझनी है। यस, अब देखो क्वेश्चन नंबर 69, यही टेक्निक फॉलो करो, इसी ढंग से क्वेश्चन करो, देखो कैसे नहीं होते आपसे, बहुत अच्छे से होंगे। अब सुनिए, 69 क्वेश्चन में मूवमेंट वाला है, फॉर्मूला कोई टफ नहीं है, फिर भी बाद में करूंगा, पर 70 एक सेकेंड में कर देता हूँ, क्योंकि वेक्टर में ए बी प्लस बी ए बी सी प्लस सी ए, मैंने आपको टेक्निक बताई थी ए बी में। अब ये डिटेल में पढ़ी हुई चीजें याद रख दो, सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ए से ए, तो आंसर विल बी जीरो, तो यही आंसर करेक्ट हुआ, राइट? फोर्थ क्यों नहीं है? फोर्थ कैसे होगा बोलो? बी ए माइनस बी सी प्लस सी ए, अब एक्चुअल में बी ए प्लस सी बी है ये और प्लस सी ए है, कैसे होगा? ये अलग अलग होगा भैया, बीच में प्लस होना चाहिए, जब आप बात ही नहीं, यहां पर सी से सी कैंसिल करने के लिए प्लस होना चाहिए, ये आप मिस्टेक करोगे, इसी को तो बोलते हैं कंसेप्चुअली रॉन्ग होना। एक्चुअल में मैं बोलता हूं नेगेटिव पॉजिटिव, तो मैं इसको ऐसे सोचूंगा माइनस ए प्लस बी, समझना, माइनस बी प्लस सी, माइनस सी प्लस ए। अब आपने जो ये क्वेश्चन दिया, अब इसको लिखता हूं माइनस ए प्लस ए, बोलो माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए, आप देखना जरा करके, जीरो हो रहा है ये। मैंने जो आपको ट्रिक बताई उनका राइट सीखना भी जरूरी है ना, गलत थोड़ी लगा सकते हो, बीच में ये माइनस साइन भी तो है ना, आपने ऐसे कैंसिल कर दिया और फिर बोला हो गया, ऐसा थोड़ी होगा, जो पढ़ाई हुई चीजें वो याद रखो। चलो अब आते हैं नेक्स्ट 71 नंबर के क्वेश्चन पे। 71 क्या है देखिए, लेट द स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स। अब ये इनवर्स वाले क्वेश्चंस में बहुत ध्यान रखना रहता है, बी टेन थीटा देन द वैल्यू ऑफ, क्या पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0 to π। क्या करेंगे सबसे पहले तो ये बताइए, पहले ये बताइए सही लिखा है इसमें, ये थीटा है एक्स है क्या है सब, और बाद में टेन थीटा लिखा है। अच्छा, लेट द स्लोप ऑफ द कर्व, इस कर्व का स्लोप जो है वो टेन थीटा है, स्लोप मतलब m इक्वल टू टेन थीटा, स्लोप किससे निकालते हो, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, पर इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका एक ये भी तो हो सकता है cos पाई बाई टू माइनस एक्स, तो y इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स, तो इसका स्लोप किया माइनस वन, और वो इक्वल टू किसके दिया है टेन थीटा के, तो आपसे पूछा क्या है थीटा, तो थीटा क्या हो गया 3π/4। अब देखो टेन थीटा की वैल्यू माइनस वन आई, अब एक इंपॉर्टेंट बात, जीरो से पाई दिया तो मैं क्या लूंगा 3π/4, नहीं समझे, केवल 3π/4, क्योंकि 3π/4 पे निगेटिव होता है। अच्छा, वैसे भी निगेटिव कोई ऑप्शन दिया नहीं है, पर अगर मान लो एक ऑप्शन ऐसा दिया भी होता ना तो भी नहीं ले सकता था, क्यों, ये दिया हुआ, ये नहीं दिया होता तो माइनस पाई बाय फोर ले लेते। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जिनको समझना है।
नहीं तो आपकी मिस्टेक हो जाएगी। अब देखो जरा 72 क्वेश्चन क्या है, 72 क्वेश्चन को अगर हम देखें समझें तो 72 क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू, बिल्कुल ही सिंपल, रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर डिफाइंड। अब आपसे डोमेन पूछी, पहली चीज दो बातें, x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती और 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से बड़ा और 4 को छोड़ दे, तो हम ऐसा लिख सकते थे पहला 1 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट 4। अब इस फॉर्म में ऑप्शन नहीं दिया बाई चांस, तो मैं ऐसा लिख दूंगा 1 टू 4 ओपन 4 टू इन्फिनिटी। किसकी, इसकी नहीं, अभी आप क्वेश्चंस को देखो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यस, नेक्स्ट देखते हैं, जरा स्पीड में करते हैं, कोई बात नहीं, लाइट चली गई तो 73 देखिए क्या, जितना हो सकता हो जाएगा रिकॉर्डिंग। एफ एक्स इक्वल टू देखिए क्या है, साइन 2x अपॉन 5x इफ x इक्वल नॉट इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि 2/5 है ना, x इक्वल टू 0 पे पूछा है तो ये इफ 2/15 तो नहीं होगा, क्या होगा इसका आंसर, 2/5 ही आएगा, पर दिया कितना है 2/15, तो क्या बोलोगे, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। वैसे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर ये 2/5 दिया होता क्वेश्चन में तो हम इसे कंटिन्यूअस ही बोलते, तो हम इसे कंटिन्यूअस ही बोलते, ठीक है बेटा। ये वो 0 पे तो पूछा है, आप पढ़ो तो क्या लिखा है, हाँ तो वो तो वहां लिखा है x, यही तो कंटिन्यूटी के कंसेप्ट बताए थे, साइन 2x अपॉन 5x इफ x नॉट इक्वल टू 0, 2/15 इफ x इक्वल टू 0, ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा लिखना था। अब इसकी अगर मैं नॉट 0 पे, तो लिमिट जब लिखते हैं तो 0 थोड़ी होती है, 0 के लेफ्ट और राइट होती है, तो इसको मैं सॉल्व करता तो मिलता 2/5, तो अगर ये 2/5 दिया था तो कंटिन्यूस हो जाता, नहीं दिया तो डिसकंटिन्यूस हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं 74, देखो लाइट चली गई है, जितना हो सकता है कर लेते हैं पेपर कवर। 74 है एफ एक्स इक्वल टू, इन्वर्टर से जितना सपोर्ट मिल जाए, मॉड एक्स माइनस 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब मॉड है तो मॉड फंक्शन कंटिन्यूस एवरीवेयर होता है, बट डिफरेंशियबल ब्रेकिंग पॉइंट पे नहीं होता है, जो हमने पढ़ा था एक्स माइनस ए का, तो ये कंटिन्यूस तो है। अब देखो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3 इज अ राइट, अच्छा कहां पे a लिखा है, अच्छा वो b में क्या था, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3 नॉट पूछा है तो ये करेक्ट है। फिर इस पे आ जाओ d, इस पे आओ c पे, द फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 0, ये भी करेक्ट है, द फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू, ये भी करेक्ट है, ए रॉन्ग है क्योंकि ए माइनस 3 पे क्या है कंटिन्यूस, पर वो क्या बोल रहा है नॉट, दो नेगेटिव स्टेटमेंट है, दो नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जरा 75 क्या है, 75 क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2x प्लस, आप ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, मैंने आपको बताया था x टेंड्स टू 0 को डायरेक्ट x लिख दो, तो 2x माइनस x अपॉन 2x प्लस x, बोलो 1/3, x टेंड्स टू 0 पे बताया ना, लिखना जो चीजें हमने थ्योरी में पढ़ी है वो सब है इसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं जरा क्वेश्चन 76, एफ एक्स इक्वल टू रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन है 75, लिमिट x टेंड्स टू 0, एक बार फिर समझ लो 2x माइनस साइन इनवर्स x, थोड़ा मुझे अब मैं टेंशन ये कि इन्वर्टर से बहुत देर नहीं मिलेगा अपने को सपोर्ट, tan इनवर्स x, ये क्वेश्चन है बेटा, इफ x टेंड्स टू 0 देन साइन इनवर्स x इक्वलेंट टू x, देन 2x माइनस x अपॉन 2x प्लस x, देन आंसर इज 1/3।
2x minus x, x upon 3x, x cancel. By method करते हैं, then 2 minus sin inverse x upon x, 2 plus tan inverse x, x divided by x numerator and denominator. This is 1, this is 1. Then 76, 76 में देखो fx equal to दिया है, अब क्या है, limit x tends to 1, fx minus f1 upon, ये रख दोगे यहाँ पर, ठीक है, ये एलोस्पिटी रूल लग जाएगा इसमें, देखना 25 minus x square ही दिया है, ठीक है, तो ठीक है इसमें 1, आप देखो ऐसा है, 25 minus x square minus f1, 1 रख दो इसमें, root 24, क्यों, upon x minus 1, अब अगर मैं x के 1 रख दूं तो root 24 0 by 0 की फॉर्म है using L'Hospital rule, अगर L'Hospital rule यूज करेंगे तो 1 सेकंड में हो जाएगा, इसका definition 1, इसका होगा 1 upon 2 root into minus 2x and put x equal to minus 1, तो minus 1 upon root 24 is a quick speed में करो, और ज्यादा देर support नहीं दे पाएगा, next देखते हैं, 77 number का question, y equal to tan inverse 5 minus 2 tan root x upon 2 plus 5 tan root x, सीधा सीधा dy by dx पूछा है, yes or no, but इसको भी मैं trick से करूंगा, क्योंकि tan inverse का जब भी question आए, तो tan inverse x minus y upon 1 plus xy equal to होता है tan inverse x minus, और अगर ऊपर प्लस हो, ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं बेटा, अगर ये सब आपने यूज कर लिए कोई रीजन ही नहीं कि आप ना कर पाओ, माइनस हो तो माइनस, ऊपर प्लस है तो प्लस, अब यहां पर 1 नहीं है, 1 बनाया जा सकता, कैसे, आप क्वेश्चन पेपर में करना, 2 का डिवाइड कर दिया, ये 1 हो गया, बोलो क्या लिखूंगा, tan inverse 5 by 2 minus tan inverse tan root x, इसका 0 यहां बचा root x का 1 upon 2 root x, माइनस एक और आएगा तो माइनस 1 upon 2 root x, इस स्टेप के बाद रुक जाइए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, चलिए नेक्स्ट देखिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, 78 चाहो तो पहले भी कर सकते हो बाद में, पर अपन इसको बाद में करते हैं, पहले तो 79 पहले करते हैं, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन है, थीटा टेंस टू 0 रूट 1 माइनस cos थीटा, अभी जो कांसेप्ट बताया था, लिमिट में मत लिखो, क्या होता है ये 2 sin स्क्वायर थीटा / 2, तो ये निकला 2 रूट का, यहां से मिला क्या थीटा / 2 अपॉन थीटा, क्या बचा 1 by root 2, clear or not, मैंने आपको step लिखना सिखाई थी ना, ये मिलेगा root 2 sin theta by 2 upon theta, चाहो तो 2 का multiply, 2 का divide कर दो, ये 1, 1 by root 2, clear है बात, next बोला है 80 number में, देखिए क्या बोला है, 80 number में बोला है, A to B, नहीं 80 हाँ, range पूछिए ना, x square minus 4x plus 5 f such that a tends to क्या दिया है, real is defined in the function fx equal to x square minus 4x plus 5 where a belong to, बोलो what is the range of the function, तो भैया वैसे logically देखो तो x minus 2 का whole square plus 1 है, अब domain यही है हमारी, domain यही है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें रेंज बतानी है, वैसे अगर मैं अगर ये नहीं दिया होता तो इसकी रेंज पता क्या होती, 1 टू इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि ठीक x की जगह 2 रख देते तो 0 और बाकी हमेशा पॉजिटिव मिलता, बट क्योंकि वो थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है तो 1 तो मिलेगी, 1 तो मिलेगा आउटपुट में, ठीक है, तो 1 कितने में, 3 में है पर 2 में ओपन है ना, एक a तो रिजेक्ट, b ओपन है रिजेक्ट, C और D में कोई एक हो सकता है, अब ठीक 5 मिलेगा कि नहीं, तो 4 रख के देखो, 4 रखो यहां, 2 का स्क्वायर 4 plus 1 5, but 4 क्या है, 4 क्या है, ओपन, तो 4 ओपन है, तो इसका मतलब 5 भी ओपन होगा, तो 1 2 5 कंसेप्शन, अगर ये क्लोज होता 4 तो
पाइप क्लोज होता, यही तो चीजें हैं जिस पे आपसे मिस्टेक हो सकती है। अभी जो दे रहा हूं वो करो 1 2 5। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं 81। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाए थे, जरा 81 क्वेश्चन को देखें। तो 81 में देखो क्या दिया है, a टू b ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, a टू b माइनस, अब एक बात सुनो, इसमें उलझने से अच्छा यह है कि आप a और b की वैल्यू ले लो। जैसे ऑप्शन है b माइनस a, a माइनस b जीरो, डी टू टाइम्स ऑफ बी माइनस ए, क्लियर? तो टू टाइम्स ऑफ ये होगा, तो आप बताओ मुझे अगर मैं ए और बी की वैल्यू ले लूं कुछ भी, जैसे मैंने मान लो मैं ले ली 1 2 3, तो मैं इसका आंसर निकाल लूं और किसका बेटा, 1 2 3 में इसका आंसर निकाल लूं, मेरी प्रॉब्लम खत्म। अब मैंने इसकी टेक्निक्स बताई हुई है आपको, ठीक है? अच्छा 1 2 3 में पहले मैं देखूंगा आंसर, दो कोई सेम तो नहीं हो रहा है। ये 1 2 3 में इसका 2 है, इसका माइनस 2 है, ये 0 है, ये 2 टाइम्स ऑफ b माइनस है यानी 2, कितना आ जाएगा बेटा 4। बिल्कुल ठीक। कभी भी मैं ऑप्शन पे जाओ ना वैल्यू ले, पहले हमेशा ऑप्शन चेक कर लो, कि नहीं तो वो पूरी मेहनत मेरी अपनी बेकार हो जाती है। अब आप बताओ 1 1 2 3, इसमें नेचर 1, इसमें नेचर 2, इसका आंसर है 3। अब यहाँ आओ 1 2 एंड 3, जब मैं रखूँगा 1 तो याद रखना माइनस 1, अब इसमें और जब माइनस 2 तो छोटा क्या है, तो इसमें मिलेगा माइनस 2 और इसमें मिलेगा माइनस 3, ओवरऑल हो गया माइनस 5 प्लस 3, ओवरऑल आंसर जो माइनस 2 थे वो करेक्ट, दिस इज द राइट आंसर। एक बार फिर समझो, आपने ए और बी की वैल्यू ले ली 1 और 3, है ना, यहाँ पे भी रख दी, इसका निकालना समझ में आ गया। अब इसमें क्या हुआ, आप उलझ गए, मैं बता देता हूँ क्या। 1 2 3 ऐसे सोचो, ये माइनस एक्स है, अगर मैं बेटा ठीक 1 रखता तो माइनस 1 मिल रहा होता, फिर इसके बाद 1.5 रखता तो माइनस 1.5 मिल रहा होता, तो रिजल्ट क्या आता, माइनस 2, क्योंकि इसके बाद की वैल्यू से स्टार्ट होता, तो ये मैंने माइनस 2 लिख दिया। अब 2 से 3 के बीच की कोई वैल्यू रख के बताओ, मान लो माइनस 2.5 रखता तो माइनस 3। क्लियर और नॉट? जो टेक्निक्स आपको बताई हैं वही टेक्निक्स पे ये पूरा पूरा पेपर है सॉल्यूशन। नेक्स्ट आओ जरा 82। 82 क्या है देखिए, 82 क्वेश्चन है। अब ये मॉड वाले भी बताया था आपको मैंने, क्यों 2 2 8 मॉड x माइनस 5 dx, बोलो 5 इसका ब्रेकिंग है 2 एंड 8, अलग से इसको इंटीग्रेट कर दो एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5x। वैसे ये दो इक्वल पॉइंट है, मिड पॉइंट है उसका, तो जितना इसका निकलेगा उतना इसका निकलेगा, ये भी तरीका होता है। रखो 2, 4 बाय 2 माइनस 10 माइनस 8, 5 रखो 25 बाय 2 माइनस 25 माइनस 25 बाय 2, ये माइनस 25 बाय 2 हुआ, इसको लिख दो माइनस 16 बाय 2, दिस माइनस दिस तो माइनस 9 बाय 2, इसका मॉड ले लो और इधर भी 9 बाय 2 ही आएगा, तो आंसर बोलो 9। बताओ क्यों लिया इसका सेम, इंटरवल सेम है, जुत्ती ब्रिथ है, बैंड ब्रिथ सेम है, तो देखो आंसर क्या 9 दिया है, ऑप्शन तक नहीं देखने की जरूरत है यार। चलो नेक्स्ट देखते हैं 83। अब 83 देखते ही बन जाएगा, पेन नहीं चलाना है, क्यों साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन ये, तो बस साइन पावर 4x अपॉन ये क्वेश्चन में, ये ऑप्शन में, नो नीड फॉर पॉइंट पेन, राइट? अब कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने चेंज कर दिया 1 माइनस, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो सब बात की चीजें का होल स्क्वायर अपॉन 4, यस और नो? अब जैसे ये 84 देखिए क्या है, जरा ई पावर एल एन 10x, तो क्या बचा ये 10x का इंटीग्रल तो पता है log sec x, यस और नो? नेक्स्ट देखिए माइनस 1 टू प्लस 1 dy/dx, टेन इनवर्स
वन बाय एक्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसको टेन बस वन बाय एक्स को चाहो तो क्या लिख सकते हो, कॉट इन बस एक्स, यस और नो, तो आंसर क्या आएगा। पहले तो ये ध्यान रखना यहाँ पर ऑड फंक्शन नहीं है, ये टेन बस वन बाय एक्स है, कॉट इन बस है। आप चाहो तो इसको ऐसे उलझ रहे हो ना, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन बाय एक्स, तो माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, ये वन बाय एक्स स्क्वायर आएगा, यस और नो। तो आप सोच, ये समझ में आया, अगर डिफ्रेंशिएट करूं तो टेन इसको टी मानोगे तो ये आया, ये आया। अब माइनस आने से एक बात समझ में आ गई, आंसर में माइनस आ सकता है, बट ये भी माइनस वन से प्लस वन है, बहुत सारी चीजें, और ये कॉट भी बनेगा। ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, तो थोड़ा केयरफुल रहो। एलसीएम लोगे तो ये मिलेगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये इवन फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया, तो बोलो टू टाइम्स ऑफ जीरो टू वन डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब बोलो इसका इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स जीरो टू वन, तो बोलो कितना पाई बाई फोर। यस, ये क्लियर है बात। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है। देखिए एडी सिक्स, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, किस इंटरवल में क्या है डिक्रीजिंग, स्क्वायर फंक्शन है, डिक्रीजिंग के लिए सीधा कंसेप्ट एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, इंक्रीजिंग ग्रेटर देन जीरो। तो ये तो देख के पता चल जाएगा, जैसे डिफरेंशिएट किया 2x माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन फाइव बाय टू, तो फाइव बाय टू के बाद से ये क्या है, अच्छा डिक्रीजिंग पूछा है तो लेस देन होना चाहिए, 2x माइनस फाइव लेस देन जीरो, तो x लेस देन फाइव बाय टू, यानी माइनस इन्फिनिटी से फाइव बाय टू। अरे ये आंसर होना चाहिए, ये नहीं है तो कोई बात नहीं ना, माइनस इंफिनिटी से टू भी हो सकता है, टू तो फाइव बाई टू के पहले आता है, और क्लोज भी लिख सकते थे इसको, तो नहीं समझे, फाइव बाई टू से लेके यहां तक तो टू तो यहां आ गया ना, तो टू पे तो क्लोज भी लगा सकते थे, मतलब अगर मुझे फाइव बाई टू लिखना होता तो ऐसा लिखता, यही तो सबसेट का कंसेप्ट है यहां पर। नो, वो मैक्सिमा मिनिमा के लिए करते हैं, रूट्स अगर आपको रूट्स निकालना है इक्वल जीरो, इसको थोड़ी करना है, इसका ये एक्चुअल में पैराबोलिक कर्व है ना, पैराबोलिक कर्व है, तो एक्स स्क्वायर माइनस पैराबोलिक कर्व में क्या होता है, डिक्रीज भी होता है और इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है इंक्रीज भी होता है, तो टर्निंग पॉइंट देखना होता है आपको कहां पर है इसका, तो आपको कभी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोला तो कोई और मेथड फैक्टर मत बनाना, फैक्टर बनाना भी हो तो एफ डैश के बनाना, ये फंक्शन इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, डिक्रीजिंग इज एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। चलो देखो कैलकुलस कितनी इजी थी, अगर मैं अब सोचो मैं अभी 86 पर हूं, सपोज मैं वो स्टार्टिंग के जो 10-12 आपके लिए छोड़े वो करने लगता, मैं इन पे नहीं जा पाता, अटेम्प्ट भी कम होते, टेंशन भी होती, रॉन्ग भी हो गए, और कई बार उलझने वाले क्वेश्चन भी तो गड़बड़ होती, तो पहले आपको हमेशा वो देखना जिससे आप कंफर्टेबल जोन में आओ, पहले 40 राइट फिर 80 पे, तो बहुत ही बड़ा स्कोर हो जाता है 80 प्लस, और मैं आपको अभी तक कुल 15-20 क्वेश्चन छोड़े, सब हो गया आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 87, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व बिल्कुल ही सिंपल, पी कॉस ए एक्स प्लस क्यू साइन ए एक्स, वेयर पी एंड क्यू आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, यानी किसका एलिमिनेशन करना है, पी क्यू का। अच्छा दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, दो बार होगा, अब मैं इसको बिना करे हुए बता सकता हूँ, टू टाइम करोगे तो एक बार ये माइनस साइन और ये भी एक बार माइनस हो जाएगा और ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो आप ऐसा बोल सकते हो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ पी इंटू ए स्क्वायर वाई, वाई लिखो बल्कि माइनस ए स्क्वायर वाई, यस और नो, इधर आ गया तो प्लस हो गया, क्लियर हो नॉट,
ये विदाउट डिफरेंशिएशन किया, क्यों? क्योंकि दो बार करूंगा तो इसमें एक माइनस बच जाएगा, एक इसमें बच जाएगा, और बाकी वही सेम फंक्शन बन जाएगा। अब देखो आप फर्स्ट टाइम करते भी तो क्या होता बेटा, माइनस पी एक्स इंटू ए प्लस क्यू इंटू ए कॉस एक्स, एक बार फिर करते तो क्या होता, ए स्क्वायर हो जाता और ये माइनस वैसे ही रहता, माइनस ए स्क्वायर पी कॉस एक्स माइनस बोलो ए स्क्वायर क्यू साइन एक्स, बन गया वही सेम फंक्शन। पर क्यों मैं स्टेप लिखूं ये भी तो मेरे लिए समझना जरूरी है ना, ये भी समझना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं, एटी एट क्वेश्चन पे। देखिए 88 क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस वन माइनस टू विच सेटिस्फाई। अब देखो डी बाय बाय डी एक्स क्या दिया है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय, डिफरेंशियल इक्वेशन का है। पहले आप सी की वैल्यू इससे निकल जाएगी पॉइंट से, तो पहले इंटीग्रेट करो डी एक्स को यहां देगा क्यों, तो वाई इक्वल टू बोलो माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री, यहां प्लस हो जाएगा कितना, प्लस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखो ऑप्शन से बिल्कुल कर सकते हैं, ऑप्शन में आप ये रख दो पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएगा वन माइनस टू। अगर एक ही कर रहा है क्या, एक ही कर रहा है बस, पहले वैसे पासिंग थ्रू वर्ड कभी भी यूज हो ना, पासिंग थ्रू कभी भी यूज हो तो मतलब ऑप्शन में एक बार रख ही लो फिर मेथड पे जाओ। 89 पे आ रहे हैं, ये 88 था ना, 89। अब देखो इसमें बोला व्हाट इज द ऑर्डर, इस ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज वाई इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी ई पावर माइनस एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी डी आर ऑर्बिटरी, चार ऑर्बिटरी कॉन्स्टेंट, ऑर्डर फोर, डिग्री नहीं पूछा है ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर में तो ऑर्बिटरी कॉन्स्टेंट काउंट करना होता है। अब आप ये क्वेश्चन नहीं करोगे तो कौन से करोगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 90 एलएन एल एन डी बाय बाई डी एक्स। अब सिंपल एक स्टेप, डी बाय बाई डी एक्स इक्वल टू एक्चुअल में ई पावर, ये लिखना नहीं है भैया स्टेप, ई पावर एक्स ई पावर बी बाय, ऐसा है वाई का वाई के साथ लाओ एक्स का एक्स के साथ, तो ई पावर बी बाय डी बाय इक्वल टू बोलो ये माइनस होगा पर, यस और नो, हो गया ई पावर माइनस बी बाय अपॉन बी इक्वल टू ई पावर एक्स अपॉन ए प्लस सी, इसको इधर ले जाओ या इसको इधर, ए का बी बॉम्बे हो जाएगा आंसर, क्योंकि सी को तो कहीं भी लग सकते हो। हाँ सी डी बी ई पावर एक्स प्लस वन अपॉन बी ई पावर माइनस बी बाय इक्वल टू सी डी डेली, बी कैसे होगा, बी में तो प्लस दिया हुआ ना, बी थोड़ी होगा। यस नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 89 में देखिए क्या है, 89 में व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल, वो हो गया अच्छा 89 तो 90 भी हो गया, 91 पे आओ, 91 भी आपसे हो जाएगा। पहले स्टेप में ये y इक्वल टू क्या, देखो u इक्वल टू है e पावर ax साइन bx, v इक्वल टू है e पावर ax cos bx, देन व्हाट इज u इंटू डी यू बाय बोलो प्लस v इंटू डी वी बाय, दोनों को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है। एक खास बात होगी e पावर x तो कॉमन आएगा ही, साथ में इस तरह का क्वेश्चन किया है आपने तो e पावर x कॉमन आएगा और ये bx भी है साथ में, तो दोनों के स्क्वायर्स भी आएंगे। जैसे इसको थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, मैं सजेशन दूंगा अभी मत करो, नहीं तो हो सकता आगे के हम सिंपल क्वेश्चन ना कर पाए। आप आखिरी तक पहुँच रहे हो, ऐसे में बात के सिंपल क्वेश्चन तो तब नहीं है क्वेश्चन, पर क्यों हम टाइम वेस्ट करें, अगले पे आ जाओ। y इक्वल टू ये देखो, अगर इसके चक्कर में अगला क्वेश्चन ना छूट जाए, साइन एल एन एक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑब्वियसली दो बार में वापस y बन जाएगा, ये दो बार के डिफरेंशिएशन में, पर बनेगा तो कैसे, एक चीज याद रखना
ये बनेगा पहले cos ln x अपॉन, या तो x को यहां लिख दो तो यहां उलझोगे नहीं। अब यहां दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो बोलो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड, तो डी बाय बाय डी एक्स बचा, एक्स का तो वन होता है क्यों, इक्वल टू ये माइनस साइन एल एन एक्स अपॉन, ये वापस बन गया वाई। क्वेश्चन आ गया राइट, यही रहने देते हैं, एक्स को तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर अननेसरी टाइम बढ़ जाता है। छोटी छोटी चीजों को आपको कैच करना है, और बिल्कुल दिमाग में रखो कि मैं कोई क्वेश्चन छोड़ रहा हूं वो आपसे ही बनेंगे, अभी आप लोग कर लोगे, बट वो टाइम कंज्यूमिंग थे इसलिए छोड़ दिए, तो मैं हर सिंपल क्वेश्चन पे मूव कर गया। अब बात करते हैं नाइन्टी थ्री भी छोड़ दो, 94 व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसको भी देखते हैं बाद में, 95 भी छोड़ दीजिए, 96 पहले सिंपल क्वेश्चंस पे तो रीच बनाए हम, सिंपल क्वेश्चन देखिए 96 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डी बाय डी एक्स 96 वन माइनस साइन बोलो 2x, अब क्या दिया यहां पर पाई बाई 4 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, सब कुछ यही छुपा है, सब कुछ यही छुपा है, कैसे रूट वन माइनस साइन 2x को मैंने बोला है क्या होता है, वैसे 1 माइनस साइन 2x होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यस देखिए फिर लाइट चलेगी, कोशिश करते हैं पूरा जितना कर पाए। अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1 माइनस साइन 2x होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, पर जब अंडर रूट में लिखते हैं तो अंडर रूट से निकली क्वांटिटी क्या याद करवाया था, मॉड क्वांटिटी होती, तो आप ऐसा लिखो पहले, तो अब मॉड ए माइनस बी होगा या बी माइनस ए, ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा बड़ा है, तो यहां पर बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी बाय डी एक्स ये लिखा और ये दिया है, नहीं दिया होता तो मैं cos x माइनस sin x ही लिखता, पर दिया है तो इसका मतलब आपको पता है पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में क्या बड़ा हो जाता है sin x, तो इसका मतलब इसका ओपन ये होगा, हाँ ये चीज नहीं अगर पकड़ी तो सब गड़बड़ हो जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा आपकी गड़बड़ होने से। इस पेपर ये वो क्वेश्चन है जिसमें हाईएस्ट मिस्टेक करते हैं, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट एक एक दो दो स्टेप के क्वेश्चन है, सही लॉजिक से करोगे अपने आप बनेंगे, नहीं करोगे तो आपके अपने आप ही स्कोर कम होते जाएंगे। अब देखो जरा 97 समझ के चलिए, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड करना है, मेंटली कर सकते हो कैसे, ये डिवाइड किया बोलो बी के साथ कर दो, बल्कि बन बनाते हैं, मतलब ऐसा ये हो गया ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बोलो टेन स्क्वायर एक्स, बल्कि लिखा रहे दो बी स्क्वायर सेकंड स्क्वायर एक्स, यहां बोलो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, यस और नो, ए स्क्वायर कॉमन ले लो ना मिस्टेक हो तो, यहां आ गया ए स्क्वायर, यस और नो, ए स्क्वायर कॉमन लिया नीचे से ही तो वन प्लस ये हो गया। अच्छा अब एक बार बताइए मुझे कि अब क्या होगा, ध्यान दो टेन एक्स को टी मान लो, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये ध्यान रखना आपने ए स्क्वायर कॉमन लिया है, ऐसे जो चीज कॉमन लेते हैं वो डिवाइड में आ जाती है बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ये वन अपॉन ए स्क्वायर ये वाला भाग लिखा है बस, ठीक है। आप जरा इसके बाद लिमिट के प्रोबेबिलिटी के देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आए हो, छोड़ने नहीं है। 98 थोड़ा सा टाइम ले सकता है, बाद में सोचना इसके बारे में। 99 व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये बिल्कुल कर सकते हो डी बाई डी एक्स मेथड से, थोड़ा सा टाइम ले सकता था, कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन ना बने ऑप्शन से कर दो, बाकी मेथड से, हाँ मेथड से करते तो डी एक्स प्लस वाई को टी मानते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई दिया
ठीक है, एक्स प्लस वाई को टी मानते, ऑप्शन से कर दो, ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा ऑप्शन को, हाँ 99 में। अब जरा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आओ, ये छोड़ने नहीं है, इजी थी 101, क्योंकि जब तक लाइट का कुछ कह नहीं सकते कम से कम ये पूरे पहला राउंड वाला पूरा कर लें, दूसरे राउंड वाले क्वेश्चन भी आपको सब मैंने बता दिया था बन जाएंगे, पर बस थोड़ा सा टाइम लेंगे, वो टाइम आपको देना है। इफ टू डाइज आर थ्रोन एंड एटलीस्ट वन ऑफ द डाई शो 5, देन प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 10 और, अब देखो टू डाइज को थ्रो कर रहा हूं तो एक डाई तो पता आपको क्या कर रही है, बोला ना वन ऑफ द डाई शो 5, तो दूसरी सम क्या चाहिए 10 और मोर, तो 10 11 और, तो हो सकता है 5 5 हो सकता है 5 6, 6 5 और हो सकता है 5, बस खत्म, 6 6 नहीं हो सकता ना, एक डाई तो 5 आ गई, तो 3 by 36। इफ टू डाइज आर थ्रोन एटलीस्ट, एक मिनट, इसमें वो लगेगा कंडीशनल परमुटेशन लगेगा, एटलीस्ट वन ऑफ द डाई शो 5, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, तो अब देखो ये हो गया 3 by 36, अब एक डाई शो करें 5, उसके केस गिनो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, सब होंगे पर इसका रिवर्स नहीं होगा, तो 11 by 36 बताया था ना कंसेप्ट, तो 3 by 11 कॉमन कैंसिल, मतलब 1 by 5 नहीं, 5 5 को ऐसे लिखो एक ही बात है, 1 5 और 5 1 अलग अलग है, फर्स्ट थ्रो में कौन सा आया और सेकंड थ्रो में कौन सा आया, लाइक दिस। क्लियर है बात, अभी प्रोबेबिलिटी के देख रहा हूं, 105 देखिए, ए बी सी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब होता है सभी का सम 1 हो, पी बी दिया है 0.5, पी ए देखो पी बी दिया है बेटा कितना 0.5, पी ए पी सी कितना दिया है 0.5, पी बी देन पी ए बताना है, बस इस पर कुछ नहीं करना है, पी ए प्लस पी बी प्लस इक्वल टू 1, क्योंकि एग्जॉस्टिव इवेंट जब भी लिखे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो सभी इवेंट का सम हमेशा, मतलब सारे इवेंट दिए हैं ये मतलब है, एग्जॉस्टिव पीसी इक्वल टू कितना दिया, नहीं 0.5 ही होगा, 1.5, अच्छा ये सही है, ये पहले 2 सही है, 1.5 ठीक है, कर लोगे ना, तो ठीक है, एग्जॉस्टिव मतलब होता है क्या होता है, अगर एग्जॉस्टिव नहीं दिया था तो हम 1 नहीं बोल पाते, हो सकता है कोई पर्टिकुलर जहां इवेंट हो रहा है वहां पे 5 इवेंट है, हमें 3 की प्रोबेबिलिटी पता है, पर एग्जॉस्टिव दे दिया तो हमें सर जो भी मतलब 3 लोग थे तो तीनों के बारे में पता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब होता है एक के बाद दूसरा ना हो पहले, कॉमन नहीं होता, पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव विद एग्जॉस्टिव दिया हो तो मतलब 3 ही लोग थे वहां पर, ए बी और सी, मतलब ये 3 ही हैं जो उस घटना के समय होंगे वहां पर, तो तीनों का सम हमेशा 1 होगा, तो जब भी एग्जॉस्टिव वर्ड यूज हो जाए तो जितनी प्रोबेबिलिटी दी है ए बी सी डी ई उन सब का सम 1 होगा, अगर एग्जॉस्टिव नहीं दिया होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं कर सकते सर, क्योंकि फिर आप श्योर नहीं होते 1 पे। फिर आ जाओ 107 देखो क्या है भैया, थोड़ा समझ लो, थोड़ी जितना पहले एक राउंड पूरा, 8 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हैड, कॉइन का कांसेप्ट बताया था ना, 8c6 8c 8c अपॉन 2 to the power 8। नेक्स्ट 108 2 power 8 8 कॉइन आर थ्रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड, मैंने आपको कॉइन के समय में एक फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट, एनसीआर अपॉन 2 power n, n नंबर ऑफ टोटल ट्राय, देन 6 हेड 7 8 8 8
थ्री ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन कंटेन, थ्री ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, ग्रुप वन बोलो थ्री गर्ल्स एंड वन बॉय, ग्रुप टू बोलो टू गर्ल्स एंड टू बॉयज, ग्रुप थ्री बोलो वन गर्ल एंड, ठीक है, द प्रायोरिटी दैट द थ्री क्या बोला है, वन चाइल्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ग्रुप, हर ग्रुप से एक एक लेना है, द प्रायोरिटी दैट द थ्री सिलेक्टेड कंसिस्ट वन गर्ल टू बॉयज, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्यों, अब टाइम ऐसे लगेगा कि अगर इसकी वन गर्ल है बस ऐसे ही करना है तो इसके दोनों बॉय होंगे, इसकी गर्ल है तो इसके बॉय होंगे, बस इतना ही करना है, तो पहले इसकी गर्ल ले लेते हैं, थ्री सी वन, नहीं समझे, थ्री सी वन अपॉन बोलो कितना, ओ अपॉन तो बाद में, यहां बोलो भाई, ऐसा है ना तीन बच्चे, तीन में से आपने क्या करा, थ्री सी वन इन टू वन, टू बॉय चाहिए ना आपको, तो यहां पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पहले यहां बताओ एक गर्ल्स ले लें, टू सी वन तो टू बॉयज ले सकते हैं, टू सी टू अपॉन फोर सी थ्री, प्लस उधर भी जाएंगे हम, इसका एक गर्ल ले लें तो इसमें से दो बॉयज ले लें आप बाय, अब इसकी हमको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट वन गर्ल तो बोला नहीं, क्यों, थ्री सिलेक्टेड वन गर्ल एंड टू बॉय, अच्छा वन ग्रुप से वन बच्चे को लेना है, हाँ 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 सॉरी सॉरी वन ग्रुप से वन बच्चे को लेना है, सॉरी, तो ये क्या हो गया, देखो इसमें से गर्ल्स ली तो थ्री बाय फोर, अब इससे बॉय लेंगे टू बाय फोर, इससे भी बॉय लेंगे थ्री बाय सॉरी, फिर इससे गर्ल्स ली तो टू बाय वन, वो टू बाय फोर कैंसिल कुछ मत करना, यहाँ से वन बाय फोर और थ्री बाय फोर, प्लस यहाँ की गर्ल्स हुई तो वन बाय फोर टू बाय फोर वन बाय फोर, दिस इज द राइट आंसर, हाँ, अब इस एक्चुअल में आपको तीन लोग लेना है, एक गर्ल्स और दो बॉयज, तो हर ग्रुप का एक एक होना जरूरी है, तो गर्ल्स एक ही चाहिए तो हर ग्रुप की एक गर्ल्स के साथ एक एक ग्रुप का बॉय ले लिया, तो ये इजीली हो गया और इंडिपेंडेंट हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए एंड लगा ना, एंड जब भी लगेगा तो मल्टीप्लाई होगा, वो तो थ्री में इधर से ले रहा था, थ्री इधर से ले रहा था, तो वो लेते वो जो मैं कर रहा था, फिर वो वन बाय, पहले ग्रुप भी सिलेक्ट करना पड़ता, उसकी प्रायोरिटी वन बाय थ्री, तो अभी कंफ्यूज मत हो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 112 क्वेश्चन क्या समझिए जरा, अब इन क्वेश्चंस के बाद आप उन क्वेश्चंस को करो जो कि थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग थे, अब 112 को देखें हम, तो क्या देखिए, पी ए बार प्लस पी बी बार टू माइनस टू पी माइनस क्यू, अब इसको देखना करेक्ट है कि नहीं, और एक दिया है पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार 1 माइनस पी माइनस क्यू, अब पहले समझ लो पी क्या, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियसली ऑकरेंस ऑफ टू इवेंट ए एंड बी इज पी, यानी दो इवेंट है जिनका एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी को बोला, ये क्या है पी है ना, इफ ए एंड बी इज पी एंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी ऑकरेंस, एग्जैक्टली वन मतलब होता है जब ए हुआ है तो बी नहीं हुआ है, और जब बी हुआ है तो ए नहीं हुआ है, ये दिया है कि अब जो क्वेश्चन हैं थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, कोई बात नहीं, आप 75-80 के आसपास आ गए, अब जितने बन जाए वो आपके लिए बोनस है, अब वही क्वेश्चन करो जो आते हैं, अब वो मत करो कि जो आपको टाइम ले रहे हैं, है ना, तो ये आ गया, अब पहले बताओ कि आपको ये बोला है पी ए प्लस बार प्लस पी बी बार, तो सबसे पहले हम इनको निकालना पड़ेगा, हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो पी ए इन टू इसको लिख सकते हो वन माइनस पी बी, समझे कि नहीं, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला है, प्लस वन माइनस पी ए बोलो इन टू पी बी दिस इक्वल टू क्यू, तो इसका मतलब ये ऐसा आ जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इन टू बोलो इक्वल टू क्यू, अब आपको क्या बोला है, ठीक है, अब एक चीज बताइए, ये आ गया पी ए, अब आपसे जैसे ये क्या है बेटा वन माइनस
पी ए प्लस वन माइनस पी बी, मतलब एक तरह से टू माइनस बोलो कितना पी ए प्लस पी बी। तो आप ऐसा बोल सकते हो टू माइनस पी ए प्लस पी बी किसके इक्वल है बोलो, ये पी ए प्लस पी बी ये एक्चुअल में होता है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के, ये फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली वन का, ये याद भी रख सकते हो। तो पी ए प्लस पी बी कितना है बोलो पी प्लस क्यू राइट, तो यहां पर आ जाओ टू माइनस पी प्लस क्यू, तो क्या आ जाएगा टू माइनस टू और टू टाइम तो नहीं ना कुछ, ठीक है हाँ 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 यहाँ पे टू टाइम्स है सॉरी ये टू टाइम्स है, तो यहाँ पर होगा ये Q प्लस टू पी सॉरी, तो इसका मतलब ये हो गया टू प्लस सॉरी Q प्लस बोलो टू पी, इसको ओपन करिए तो टू माइनस टू पी माइनस क्यू यही दिया है, दिस इज द राइट। अब ये थोड़े से टाइम ले रहा है, ऐसा नहीं हमने जो पढ़ा है वो पूरी चीजें पढ़ी, आपसे बनेंगे सब क्वेश्चन पर टाइम लेंगे। तो आप पर पहले किस में आ गए, बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ गए 75-80, मतलब ये तो अपने आप में अचीवमेंट है, उसके बाद आप जितना कर पाओ जितना टाइम बचे। अब देखो अब अगला क्वेश्चन देखना है ए बार इंटरसेक्शन बी बार, अब ये बोलो कितना होगा, ये होता है वन माइनस पी ए यूनियन बी के इक्वल, याद रखो और वन माइनस ए यूनियन बी मतलब वन माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस, अब ये सब है आपके पास, वन माइनस पी ए प्लस पी बी कितना है क्यू प्लस टू पी और इंटरसेक्शन बी पी दिया था क्यों, तो वन माइनस पी माइनस क्यू क्या दिया देखना सही है, यानी वन और टू बोथ आर करेक्ट। अब देखो 113 जो है ना वो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो कोरिलेशन रिग्रेशन का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्या दिया, इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x, y ऑन x मतलब b by x दिया है माइनस सिक्स, ठीक है ठीक है, एंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट r वो दिया है माइनस वन बाय टू, तो आपसे पूछा x ऑन y, सबसे पहले एक चीज याद रखना आप कि एक्स वाई एक तो निगेटिव होगा, तो दो ही ऑप्शन में निगेटिव है, तो ए और डी तो रिजेक्ट। अब आपको पता है b बाय एक्स इंटू बी एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट इक्वल टू होता है r, तो एक दिया कितना 6 माइनस भूल जाओ है ना, वो तो हो जाता है एक हो गया x इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में, तो बोलो 6x इक्वल टू 1/4 देन x इक्वल टू पर क्या आएगा साथ में माइनस, तो माइनस 1/24 इज आ। अब ये क्वेश्चन मान लो छूट रहा है आपके तो बहुत ही बुरी बात है, तो पीछे तक पूरे 120 तक रीच बनाने का तरीका यही है, नहीं तो 120 तक रीच नहीं बन सकती आपकी। अब 118 देखो ये बिल्कुल इजी है, बाकी क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एन ऑगिव, क्या होता है अब यही चीज देखनी है आपको कि कौन से कर सकते हो कौन से नहीं। ऐसे 100 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एक्सपेक्ट अ नेगेटिव कोरिलेशन, तो नेगेटिव कोरिलेशन क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ क्लेम हैव टू बी पे। अब देखो 117 थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, कैसे बता दूं आपको हर एक वो चीज देखनी पड़ेगी, तो अब जो क्वेश्चन है वो टाइम कंज्यूमिंग है। अब इन्हीं में आप उलझ गए तो हो गया आपका कबाड़ा, नहीं उलझे आप बहुत ही अच्छी कंडीशन में आ जाओगे। तो आप 117 देखें तो थ्री डाइस हैविंग डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 and 6 ऑन देयर फेसेस आर मार्क 1, 2, 3 एंड रोल एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डाई 1, 2, 3 इन पे जो नंबर आ रहा है उनको क्या बोलना है x y और पर कंडीशन है क्या बताओ,
x is greater than, what is the number of possibility outcome, x is greater than y greater than, इसमें कोई भी ऑर्डर ले लो चलता, ये भी ले लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बताओ क्यों? कोई भी एक ले सकते हो, मतलब आपको ये लेना है कि जो फर्स्ट जिसको मान रहे हो उस पे, उससे अगले में उससे कम आए, ज्यादा आए उससे अगले में उससे, मान लो कि सबसे छोटा क्या है, जेड है, तो आप ऐसा ले लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? तो अभी पर वन में वन टू थ्री बोला है, अब मुझे बता इधर पीछे से स्टार्ट करो, मान लो इस पे वन आया तो इस पे क्या आ सकता है, टू, तो इस पे क्या आ सकता है, थ्री फोर फाइव सिक्स, हो गया गेटर। अब हो सकता है इस पर को कैसे देखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन, नहीं यहां पर ऐसे कॉम्बिनेशन लो कि इस पर आया वन टू थ्री फोर फाइव, वन के साथ टू लिया तो थ्री फोर फाइव सिक्स, तो वन टू थ्री वो भी आएगा, तो यहां लेंगे मान लो वन या टू में से कोई नंबर यहां आया, इसको ऐसा लो तो इस पे क्या आ सकता है थ्री, यहां बोलो फोर फाइव एंड सिक्स, ठीक है एक मिनट बता रहा हूं मैं आपको, इस पे मान लो वन टू थ्री में से कोई नंबर आया होता तो यहां पर फोर यहां पर फाइव सिक्स, मान लो इस पे से वन टू थ्री फोर आया होता तो यहां फाइव और यहां सिक्स। अब देखो कॉम्बिनेशन, अब आप कॉम्बिनेशन देखो, ठीक है कॉम्बिनेशन देखिए, आप कोई भी, जैसे आप इसके केस हुए फोर फोर वन वन तो ये हुए फोर, ये थ्री और वो टू है तो इसके हुए सिक्स, ये थ्री इंटू टू है इसके हुए सिक्स और ये कितना है फोर, तो कितने आ रहा है सबको ऐड करो, सिक्स सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी इज द राइट आंसर, क्या दिया आंसर, समझ में आया कि ये करना था इसमें। तो आप थोड़ा सा टाइम तो लेंगे क्वेश्चन, उसमें कोई डाउट नहीं, बनेंगे वो भी, जो भी क्वेश्चन छोड़े ऐसा एनडीए में हो ही नहीं सकता, जो चीज आई है वो आपको पढ़ाई नहीं गई और पढ़ाई भी और करोगे भी, पर टाइम्स लगेंगे, अब टाइम लगेगा। अब आप उनको जिनको छोड़े हुए को अगर पहले पकड़ लेते आपके ओवरऑल अटेम्प्ट कम हो जाते, रॉन्ग होने लगते, क्योंकि पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं जिनमें टाइम लगे, लेंथी हो, कन्फ्यूजन। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी क्लिक नहीं करा, इसमें हर केस है, आप बोलोगे सर टू थ्री फाइव, मैं बता दूंगा कहाँ है टू थ्री फाइव, आप बोलोगे थ्री फोर सिक्स बताइए सर कहाँ है, तो ये हो गया थ्री फोर सिक्स, हर पॉसिबल केसेस है। क्लियर है पेपर? अब जो क्वेश्चन है, अभी देखो लाइट की प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है आपको बस बनते जाएंगे, उनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बचे हुए क्वेश्चन में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब उन क्वेश्चंस को भी करते हैं जो कि आपको टाइम लगेंगे, जिनमें टाइम लगेगा।